ऑल राइट सॉलिड वेलकम आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन. मैं तुम लोगों के साथ ये करने के लिए काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ दोस्त. अब चीज़ें अलाइन मार गई हैं एंड वी आर श्योर. सो हियर इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू विद यू गाइज. आज जो यहाँ है या जिन लोगों ने आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन लिया हुआ है एंड हु वॉन्ट टू कम हियर द नेक्स्ट टाइम, हियर इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू. हम एक वीक में, दो वीक में, तीन वीक में एक बार एक लाइव स्ट्रीम ले लेंगे. वॉट एवर डाउट्स यू हैव, हम लोग यहाँ पे आंसर ले लेंगे. इफ़ यू आर से इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन सोशली स्पीकिंग एंड तुम्हें नहीं पता उसे कैसे नेविगेट करना है, या तुमने एंटिसिपेट कर रखी है एक सोशल सिचुएशन और तुम्हें नहीं पता उसे कैसे नेविगेट करना है, ऑल ऑफ दैट कैन हैपन हियर, राइट? तो यहाँ पे हम लोग चिल कर सकते हैं. अदरवाइज यू हैव द डिस्कॉर्ड ग्रुप. आप वेन एवर यू हैव समथिंग वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं. फॉर्म अ कम्युनिटी. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पीपल नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज समथिंग आई गॉट अर्लियर ऑन माई इंस्टाग्राम. मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने आज एक क्वेश्चन भेजा कि आई एम वेरी ओके बीइंग अलोन. इनफैक्ट मैं प्रेफर करता हूं कि मैं अकेला रहूं. अब क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एंड आई टोल्ड हिम द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू गो बैक टू पीपल. द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू गो बैक एंड ज्वाइन द सोशल वर्ल्ड. बिकॉज आप अकेले रह पाते हो और सॉलिट्यूड में एग्जिस्ट कर पाते हो, ये बहुत नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड स्ट्रेंथ. बट उस स्ट्रेंथ को यूज कहां करोगे? सोसाइटी में ना. और उस स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कैसे करोगे? क्योंकि एक आदमी में इतनी ताकत नहीं होती, वो टीम से, ट्राइब से, कम्युनिटी से. I am not kidding. If you want to observe this difference, because a lot of people come and ask me very weird questions like, how do I stop smoking cigarettes? And the simple answer to how do I stop smoking cigarettes is, don't exist in that environment or that circle where cigarettes happen. Tum apna pura lifestyle change kar do and it becomes easier to stop smoking cigarettes. Hum log apne environment se directly influenced rehte hain sara time. Aur hamare environment mein jo alive entities hain, jo human beings hain, उनसे हम बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहते हैं. बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहते हैं. एंड फॉर दैट एग्जैक्ट रीजन योर कंपनी इज मोर देन जस्ट योर कंपनी. इट्स द एजेस ऑफ योर थॉट, द एक्सटेंट ऑफ हाउ यू कैन थिंक. दैट इज व्हाई व्हेन यू आर इन कंपनी ऑफ से इवन गुड यूट्यूबर्स फॉर दैट मैटर, वो तुम्हारे, तुम उनसे मिलते नहीं हो, वो तुम्हारे सगे नहीं है, तुम्हारा उनके साथ उठना बैठना नहीं है, बट सिर्फ उनकी आवाज तुम्हारे नजदीक है. हुएवर यू थिंक इज अ गुड यूट्यूबर, यू नो, सदगुरु, संदीप महेश्वरी, हुएवर. इट चेंजेस हाउ यू बिहेव. एंड सो इफ यू एवर वॉन्ट टू लर्न अ स्किल, वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु वॉन्ट टू लर्न दैट स्किल. इट कीप्स यू ऑन ट्रैक, ईजी, सिंपल, नो प्रॉब्लम. इट गिव्स यू कॉम्पिटिशन, इट गिव्स यू अ वे टू मेजर योर प्रोग्रेस, which is one of the hardest things to do trying to grow a skill. How do you measure your progress? How do you know if you're getting better and better with respect to time? So, agar maine 2 mahine lagaye hain, kya maine 1 mahine ki progress kari hai ki 5 mahine ki progress kari hai? How do I know? Kahan likha hai? Kaun si kitab hai jahan likha hua hai exactly? Wo kitab comparison hai, dost. Aur uske liye tumhe chahiye kya? Friendly competitors. I don't understand when people say, do not compete. How can you not compete? It's the fundamental nature of acting outwards, of figuring out the world beyond you, goes through competition at all points. A very interesting question to wonder. I'm going off on a trail, but I was thinking about this while I was driving last night. And I was thinking about, हमारे लिए God is powerful, अगर assuming God है, but क्या God के लिए God is powerful? Is there power for God? It's a strange notion. क्या भगवान ये सोचता है मैं कितना powerful हूं? और arrogantly भी नहीं, सिर्फ factually. Because अगर उसकी एक analogy draw करूं situation की, जहां पे तुम सिर्फ अकेले हो पूरी दुनिया में और तुम कुछ भी कर सकते हो, is that even powerful? Because you don't think walking is power, because everybody else can walk, almost, roughly.
You don't say walking is a superpower on Twitter. That's not something people say. So the real question is, how much of you are you because of the people around you? And this is a great opportunity to be invested in like-minded people. The internet is the portal to meeting like-minded people. Use it. Voice low hai? Can you guys hear me properly? तुम लोगों को आवाज आ रही है ढंग से? Here in the Zoom call. ठीक है, मैं यहां देख लेता हूँ वो भी इस पे सही है कि नहीं. थोड़ा और बढ़ा देते हैं वो इसको. सही है, सॉलिड. ठीक है, तो let's just jump straight into Q&A. I am very interested. मैंने कोर्स तो बनाया and I put, like frankly, I put everything I'd known for 10-11 years of trying to master this. ठीक है, बट मेरे को ना कभी नहीं समझ आता कि इसका how did it get across to people. तो आज तुम बस बता दो, तुम बताओ तुम में से कौन सवाल पूछना चाहता है. राहुल एंड नसीम, टेल whoever is going to unmute their mic next and then let's see. बताओ, कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा क्या खुद को? या कैन आई आस्क? नाम बताओ. मेरा नाम रुचिर है. रुचिर, या हाँ जी बताओ. हाय भैया, थैंक्स अ लॉट यार, जो भी कर रहे हो, मतलब जो भी कर रहे हो, मतलब हाँ, मतलब जस्ट स्टार्ट ऑफ. ठीक है, तो यार एक ना, मतलब कॉन्वर्सेशन की एक बहुत ना विविड चीज आई हैव नोटिस्ड कि whenever you start conversating with someone in professional या personal environment, कैसा भी environment होता है, तो there are people whom you can, you know, जिनका attention तुम ना बहुत जल्दी penetrate कर लेते हो. मतलब it's very much like जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, now you will be somehow interested into talking in me, probably. But then there are people जिनके साथ ये नहीं होता, and in professional environments, more specifically when our career is at sometimes at stake, be it interview, be it some conference, वहाँ पर हमारा जो मतलब we just want कि यार वो हम मतलब वो ना हमारी हम उनकी attention ले ले somehow. I'm not figuring out, मतलब मैं बता नहीं पा रहा, मतलब I'm not able to. Let me try and see if I understood your question. तू मेरे को बताइयो सही समझा कि नहीं. तू कह रहा है कि देख, ऐसा होता है कि कुछ लोगों की अटेंशन तो आप आसानी से पकड़ लेते हो, कुछ लोगों की नहीं पकड़ पाते, और कई बार सर्कमस्टेंस ऐसा होता है कि आपको वन शॉट चाहिए होता है. यही कह रहा है ना? तो फिर उस सर्कमस्टेंस में क्या करें, जहां मतलब एक हाई प्रेशर सिचुएशन है, मैं एक नेटवर्किंग इवेंट में हूं, वहां पे एक आदमी है, मेरे को उससे मिलना ही मिलना है, और मैं उसकी अटेंशन नहीं. हां, बिकॉज़ देयर इज कंपटीशन, बिकॉज़ इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, देन समवन हु माइट बी विटी एनफ, हु माइट मतलब हैव सर्टेन काइंड ऑफ स्किल, ही विल गेट थ्रू. Right. He'll form that connection. He'll, you know, there is a specific fair competition jo hota hai, and you will be devoid of the advantage jo tumhe mil sakta tha. Now what to do in that situation? Because now the main part comes is that ki agar tum usse conversate nahi kar pa rahe na, so you lost something in for that sure. process. For sure. You lost a great opportunity which could have been yours, because you are in the place, and like that does not mean too much. If you can't crack the final step, sure, you're not the winner. Sure. Bro, तू सोच के देख, अभी तक think about a person जिसकी life बहुत सही चल रही है. तू कोई भी imagine कर ले अपने आसपास, ठीक है? मैं तेरे को personal privacy दे रहा हूँ. कोई भी, अगर तेरे पास example नहीं है, तू मेरे को imagine कर ले, ठीक है? मैं मतलब मैं एक example ले रहा हूँ, जिसको भी तुम सोचते हो उसकी life बढ़िया चल रही है. तुम्हें पता है उसने कितनी opportunities miss करी अपनी जिंदगी में इसी वजह से? हजारों. बट क्या उसका मतलब यह है कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई उसी टाइम और रिसोर्स के लिए वो उससे बेहतर नहीं थी? नहीं. क्या उसका मतलब यह है कि वो उससे बेहतर थी, कि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई फॉर श्योर पिछली वाली से बेहतर थी? वो भी नहीं है. बट मेरा पॉइंट यह है कि दिस इज द नेचर ऑफ हाउ थिंग्स आर. तूने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? है ना? तू सोच के देखना, मतलब कितनी, क्या पता तू शाहरुख खान का बेटा होता. मेरी बात समझ रहा है? Like there is no way to know. But so for sure you missed out on many opportunities, and you will, and you can never think about that. Even if now you know how to ask specific, how to go about conversating, even if you still are not able to, तो भी तू उन चीजों पे dwell नहीं कर सकता, because they have never been. वो कभी जिंदा थी ही नहीं दोस्त. यार बट एक, हाँ मैं समझ रहा हूँ. Let me finish. Oh yeah, sorry. तो एक
एक नंबर बात तो यह है कि तू उन पे ड्वेल नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज नो पॉइंट, दैट इज जस्ट अ स्टूपिड एक्टिविटी, दे वर नेवर बॉर्न, ठीक है। दूसरी बात जो ये है इसमें वो ये है कि नो मैटर वॉट यू डू यू विल ऑलवेज लूज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ पीपल बिहाइंड, उनसे तेरी नहीं बैठेगी, नो मैटर हाउ ब्रिलियंट यू अ कम्युनिकेटर यू गेट, यू विल ऑलवेज लीव अ सर्टन परसेंट ऑफ पीपल बिहाइंड, इट जस्ट मैट डिपेंड्स वॉट दैट परसेंट इज, दैट इज द ओनली कंस्ट्रेंट, वो कितना परसेंट है। तू नंबर्स पे ऑपरेट कर सकता है, मतलब कि तू सॉल्व नहीं कर सकता इस प्रॉब्लम को, ऑप्टिमाइज कर सकता है, यू कैन गेट बेटर एंड बेटर, बट यू कैन नेवर हैव 100%। सो व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड Vedant comes in, Vedant talks, and Vedant's getting along. Vedant's my friend, and I'm like, or friend or say competitor, whatever, right? And I'm jealous, right? Now I have two options at this point. Either I go in again and I try to win that person's attention back, or I do a soft close, which is that I go to them, I'm like, lovely meeting you, I'll see you very soon again, hopefully, this, that, so that kuch kharab nahi hua hai, aur jitna soft relationship ban sakta tha, ban gaya. Yeah. Aur wahan se aa gaya, hoping ki main dobara mil paunga ya inko Instagram pe DM kar paunga. Okay. समझ रहे, अब आई हैव टू डिसाइड विच डायरेक्शन आई वांट टू गो इन। सो अगर मेरे को लगता है मैं पहली बार में अपनी स्किल ढंग से नहीं दिखा पाया अटेंशन होल्ड करने की, तो मैं दोबारा जाऊंगा। ओके। और अगर मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये एनवायरनमेंट मैं लूज कर चुका हूं, तो मैं आई गो फॉर अ सॉफ्ट क्लोज, आई बी लाइक लवली सीइंग यू वेदांत, हाउ आर यू डूइंग, यू आर कैरी ऑन, हां बोलो, अब बोलो। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन यू नो लाइक गिविंग अप इन अ सर्टेन सेंस, मतलब समझ रहे हो कि अगर आप उसको क्लोजली, मतलब बिल्कुल कूल एंड काम आप वहां पे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है, यहाँ मेरा मतलब दाल निकलने वाली है, टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है। अब वहां पर कॉन्फिडेंस इशू और रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने में भी काफी फर्क होता है, बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल तीन लोग खड़े हैं, एक मिनट रुको, राहुल असीम, लोगों को ना ब्राउजर में बहुत बग्स आ रहे हैं, इनको मीटिंग लिंक कॉपी करके भेज दो सबको, ठीक है, चाहे यहीं चैट में भेज दो। Now, please, दोबारा पूछ रहा हूँ, सॉरी। हाँ, सो आई वॉज, सो मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी आर इन सम वॉट सेम फील्ड, ठीक है, एंड नाउ देर इज एन इन्वेस्टर, ठीक है, बिजनेस मतलब नॉर्मल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, एंड नाउ मैं बात कर रहा हूँ, आप आए, ठीक है, नाउ समहाउ यू आर एबल टू एज दैट कॉन्वर्सेशन एंड यू आर एबल टू कैप्टिवेट दैट पर्सन विद योर स्किल्स, ठीक है। नाउ यार उस पॉइंट पर तीन चार चीज होती है आपकी ईगो पे भी आ जाती है, वो खराब होगा, इट डज नॉट मैटर कि वो खराब हुआ, वॉट मैटर्स इज तुमने उसके बाद क्या किया, डिड यू कैरी ऑन एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर इन्वेस्टर, अनदर क्लाइंट, अनदर कस्टमर, और वर यू लाइक यार इसने तो मेरे को फंसा दिया यार, ये वो ये वो। भाई देख, मेरा पॉइंट, द रीजन वाई यू डिड नॉट कैप्टिवेट देयर अटेंशन एंड आई डिड कुड बी थाउजेंड्स ऑफ रीजंस, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, समझ रहा है। जैसे तू आया, तेरे हाथ से गलती से चटनी गिर गई उसके स्वेटर पे, वो एक रीजन हो सकता है, या वो आया और उसकी खुशबू कोई ऐसी थी जो उसके पापा के परफ्यूम जैसी थी सामने वाले बंदे के, राइट, लाइक यू कैन नॉट कंटिन्यूअसली थिंक अबाउट दैट, हाउ कैन यू डू नॉट नो व्हाट यू डोंट नो, यू कैन नॉट, एंड यू कैन नॉट, अगर तुम घर जाके उसको डाइसेक्ट भी करोगे ना, तुम बहुत डाइसेक्ट भी नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ यार, और तुम्हारा दिमाग उस टाइम एक्शन करने में बिजी था, वो नोटिस ही नहीं कर रहा था वो छोटी छोटी चीजें क्या हुई हैं, फिर तुम अपने आप को एक लूप में फंसा लोगे, उसमें तो बिल्कुल नहीं फंसना। ये लोगों के साथ बहुत होता है जब वो व्हेन दे ट्राइंग टू टॉक टू देयर क्रशेस, राइट, वो अपने क्रश से बात करके आते हैं, दिमाग उस टाइम चलना बंद हो गया भाई, खून ऊपर नीचे दौड़ रहा है शरीर में, ठीक है, उसके बाद वो एक एक चीज को डाइसेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या रहा होगा, उसका मतलब क्या रहा होगा, उस छोटी बात का मतलब क्या रहा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर, माई पॉइंट इज खत्म, इट इज ओवर इन दैट मोमेंट।
द राइट स्ट्रैटेजी फॉर वॉट यू आर लुकिंग फॉर द प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर इफ दैट हैपेंस इज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. Give your best at that point of time. You give your best, bro. Always give your best. If it does not work out, next year. There is so many. And how do you then? How do you learn in retrospection? So up that is ki ab maine usme galti kya kari ya main kya behtar kar sakta tha. Yeah. Return to the basics of art of conversation. How did I enter? Did I get the topics out right? Did I take enough risks? Was I not comfortable? Because you know, comfort or risk wale mein jo difference hai. Body language kis tarike se behave karti hai. That's yeah. Right? And then you're like, achha, what kind of risk could I have? So if you want to think along that grammar that I gave. वो एक-एक element कि वो non-risk वाला element कहाँ जाना चाहिए था, किस point पे मैंने lose किया? Within a span of 40-50 conversations, you'll know मैंने किस point पे बंदे को lose किया. That would be quite automated at that point of time. Absolutely. You are like, अच्छा, यहाँ पे इसकी attention. मतलब I can, like when I'm talking to somebody and they, उनका सर move करके आया था, I can tell कि attention जा रही है. Yeah. And then you adapt also instinctively. फिर तेरे को पता है अगर उस बंदे की attention जा रही है, you'll speak the next thing louder. You'll be like, तुम्हें पता है क्या? And that guy is suddenly going to move back into frame. और वो तुम instinctively करने लगोगे. बस तुम्हें वो recognize करने की ज़रूरत है. क्या हो रहा है? You see? So the basic thing is go out and get as much experiences as you can, and then 100% bro. किसी मेरे को नहीं समझ आता how can somebody say कि मैं मतलब like I cannot magically solve your conversational issues by just giving you speeches, right? Or like exercises to do akele. The real field is out there. तो तुम्हें इसको लेके जाना बाहर है, but तुम्हें इससे पता है कि मैं गलतियां क्या सुधार सकता हूं, कैसे कर, तुम्हारे पास framework है conversation का, वो use करो. So within 20-30 tries, you know bro, 20-30 tries तो यू ही निकल जाते हैं. You just have to be conscious. Yeah, thanks a lot man. Thanks a lot. Shubham, you can unmute yourself. If यार हमारे description में link है course का, लोग पूछ रहे हैं. Course का हाँ जी. हाँ बस ठीक है, solid. Description में link है. Please next. Shubham, you can unmute yourself. Rahul वो ineffective रहेगा. Okay. हाँ जिसको unmute करना है कर लो. Option है सबके पास ना. Can I ask? हाँ please. Can I ask? नाम बताओ. आप जान के कभी ट्रू नहीं रह पाते अपने आप से. लाइक आई एम सेइंग कि आप मान लो कोई आप पॉलिटिकल बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू गोइंग टू लेफ्ट और राइट, तो आप अपने पॉलिटिकल या कोई भी ओपिनियन ना, जस्ट एन ओपिनियन, यू डोंट स्टे रेलिवेंट टू दैट. आप जस्ट दूसरे बंदे को पीस करने के लिए अपना ओपिनियन थोड़ा पीछे कर देते हो. कि आपको डर लगता है कि वो दूसरा बंदा ऑफेंड ना हो जाए. दैट इज माय मेन क्वेश्चन. कि मैं हर वे सोचता हूं कि दूसरा बंदा ऑफेंड ना हो जाए. एंड इसके वजह से मैं अपने आप को पीछे हो जाता हूं. लाइक आई हैव रिग्रेट किया, मैंने सच क्यों नहीं बोल देता वहां पे, कि चाहे ऑफेंड हो जाता, बट आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग्स कम्स अप ऑन. कि बंदा यही सोच रहा है कि यार बंदा ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए मैं वो बात बोलूंगा नहीं. या फिर कोई ऐसे जोक ना मार दूं कि मैं कॉन्वर्सेशन में कि यार कुछ थोड़ा जाहिर डैंक या कुछ ज्यादा डॉग जोक चला इतना चला जाऊं मैं एकदम से, बिल्कुल डैंक ना हो जाए समाज है ना. एंड मान लो बंदा कुछ ज्यादा हो ना जाए कि यार ऑफेंड हो जाए, सो वहां से कैसे कॉन्वर्सेशन लें, या फिर कि एटलीस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ कि आप झूठ ना बोले, ऑनेस्ट हो जाए. श्योर कॉन्वर्सेशन ब्रो. देख इसको, ये दिस इज द टिपिकल पीपल प्लीजर प्रॉब्लम. ठीक है, फॉर वट एवर रीजन इन योर चाइल्ड हुड, दिस इज द स्ट्रैटेजी जो तूने इंस्टिंक्टिवली सीखी है लोगों से डील करने की. उनको खुश रखो, क्योंकि उनको पिस ऑफ करोगे तो या तो वो मेरे पे चिल्लाएंगे, या वो मेरे से बात नहीं करेंगे, या वो मेरे से लड़ेंगे, या वो मेरे को डांटेंगे, या वो मेरे को प्यार नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. कुछ भी हो सकता है, जो हुआ वो हुआ, राइट? दैट इज योर स्ट्रैटेजी. दैट इज जनरली वॉट यू आर गुड एट. यू आर गुड एट प्लीजिंग पीपल, राइट? दैट्स ग्रेट. दैट्स ग्रेट बिकॉज देन पीपल लाइक यू. क्लियर? Whoever likes you, my friend, they like you. Now, the other half of the equation that you want in a relationship is respect. And respect comes from saying no. And what you need to learn, and this is true for anybody in the chat, jo jisko people pleaser problem hai, tumhara simple solution hai, na bolna sikho. Simple line draw karna sikho.
और वो लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जब तू कहता है मैं ऐसा जोक नहीं क्रैक कर पाता क्योंकि वो ज्यादा डैंक ना हो जाए, तेरे को पता तो लगना पड़ेगा ना लिमिट क्या है डैंकनेस की, तेरे को मतलब एक बार तो क्रैक करके देखना पड़ेगा ना, पर तेरा मन कहता है ये मेरे से पिस ऑफ हो गया तू, तो तेरा मन उसके रिस्पॉन्स में क्या कहना चाहिए, भाड़ में जाए। और मैं ये नहीं कह रहा भाड़ में जाए, मतलब वो पिस ऑफ ही तो हुआ है तो मेरा दोस्त ही ना, ठीक कर देंगे, क्या हो गया। नहीं, but the thing happens like if you're with someone like you're going cold opposed या ऐसे कर रहे हो, not pick up style, but अब किसी से मैं से मिल रहे हो, आप for example किसी से मिल रहे हो, हाँ हाँ, and आपने ऐसे situation में एक ऐसा joke like feminism पे ऐसे कोई joke मार दी and the person like नहीं यार इस पे तो joke मानते नहीं है, so then मुझे थोड़ा लग जाता है कि उस time में थोड़ा हिल जाता हूँ। bro तू crack कर दे joke, ठीक है, तेरे को joke में ना 80% way में 80% through the joke you'll understand whether this person's into the joke or not. Right? Yeah. Like if you, अगर तुम private setting में if you crack a joke about, like if you crack dark jokes around me personally, मैं पहले हंसना शुरू कर दूंगा। But not just that, तुम्हें लोगों के ना expression समझ में आ जाएगा। Suppose नहीं भी आया, 100% joke तूने crack कर दिया, and that person's like, तेरी हिम्मत कैसे हुई joke crack करने की? बोल sorry यार, कभी कभी मैं थोड़ा हो जाता हूँ, खत्म। If they get extremely pissed, तो bro तुम्हारा सच और उनका सच match नहीं करता, for whatever reason. Why hanging out with them? Right, वो eventually problem आनी थी, और नहीं भी आनी थी तो मतलब ठीक है, one person वही ना, there is enough opportunities you lose trying to figure this stuff out throughout your life rather, ठीक है, like whatever, random ही तो है जो भी इंसान है, पर तेरे को समझ में आ गया ना कि अब मैं randomness को किस extent तक ले जा सकता हूँ, to see how much risk you can take in a conversation you'll have to do and see, but primarily what you need to do is start making boundaries around yourself, those people don't influence your mood bro. जो वो लोग हैं जिनके तूने ऐसा जोक क्यों क्रैक करा, दे डोंट गेट टू इन्फ्लुएंस योर मूड। वो कौन है? तूने उनको जबरदस्ती अपने दिमाग में बिठा रखा है, रेंट फ्री मेरे दिमाग में बैठ जाओ, उनको नो बोल अपने दिमाग में, यू डोंट सिट इन माय हेड, आई डिसाइड हाउ आई फील यार। जो तू उनके रिएक्शन के एंटिसिपेशन में कुछ बोल नहीं पा रहा कि वो ऐसे रिएक्ट ना करने लगे, पहले उसको शट ऑफ कर, बोल तुम्हारा रिएक्शन जो भी हो मैटर नहीं करता, मैं खुद को एंटरटेन कर रहा हूं, और हो गई गलती यार सॉरी, चाकू थोड़ी मार दिया किसी को, राइट? तो ये जो परफेक्ट, ये जो पीपल प्लीजर वाली पॉलिटिकल करेक्टनेस वाली बात आती जाती है ना, लाइक पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर एंड देन यार ब्रो पता है देख, इट्स एन इल्यूजन, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मतलब पता है इंडिविजुअल इक्वेशन की बात होती है, ठीक है, जैसे यहां पे अनिकेत बैठा है, या मैं फॉर इंस्टेंस अभी नीरज अरोड़ा सर चैट में थे, नीरज अरोड़ा सर हाउ आर यू, ठीक है, तुम लोगों की ना, तुम लोग जो लोग भी नीरज सर को देखते हो, तुम्हारे सामने उनकी एक इमेज है, वो एक ऐसे हैं, ठीक है, सपोज प्राइवेट में मेरी और उनकी इक्वेशन बहुत अलग हुई, वो पॉसिबल है, मेरा पॉइंट ये है, लोगों की ना प्राइवेट इक्वेशंस होती है ब्रो जिनसे तुम नजदीक होता है, और बाकी सबके साथ तुम वैसे ही पॉलिटिकली करेक्ट होते हो, जो रिश्तेदार एक्स्ट्रा रिश्तेदार आते हैं शादियों में, हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते, है ना, आ रही है ना वो पॉलिटिकल करेक्टनेस, सिर्फ तुम्हारे कुछ आसपास ही लोग होते हैं जिनके साथ तुम प्रॉबेबली पीसी नहीं हो, जब तुम पहली बार किसी से मिल रहे हो ऑन द सेफ साइड बी जस्ट लाइक पीसी, यू नो यू डोंट नो उनकी लिमिट्स क्या है, थोड़ी बहुत टेस्ट करके देख ले, यू हैव टू ट्राई दैट ब्रो, यू हैव टू ट्राई एंड सी इफ दैट जोक वर्क्स और नॉट, बट यू हैव टू, बिकॉज इफ यू डोंट एंड इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड इफ यू डोंट से नो एंड इफ यू डोंट से दिस इज हाउ आई डू इट, then they don't respect you, they like you, they may still like you but they won't respect you, they'll respect you for being you, they'll like you for being more like them, and yeah. you have to balance that, meri baat samajh rahe hai, thank you so much brother, bahut sabse tha koi scene nahi bro, tu samajh rahe na, chhod ke crack kar yaar, honge 10 bar pissed, kya ho gaya, kisi ke matlab kya bolenge, ja yahan se, theek hai bye, apni zindagi ji, it is worth the shot, like you have to get it out of your koi na koi to aayega, koi na koi to acha rahega, aur shuru mein patthar utha apni chhati se, bhai ye tumne chhati pe patthar bitha rakha hai ki main ye bol sakta hu ki nahi, main hamesha bend kar jata hu, ye wala jo mindset hai, main hamesha hi unki baat sun leta hu, main hamesha hi apne aap ko change kar leta hu, I guess one of the reasons could also be ki social media mein jaisa ho jata hai na ki ye baatein mat bolo, ye baatein mat bolo, and then I'm like yaar kya hi bolne mitte, it was kuch bhi na bolo mitte yaar, right, that's the thing, राइट, थैंक सो मच ब्रो, कोई सीन नहीं है ब्रो, कोई सीन नहीं है, वैसे मैं बता दूं नीरज सर और मेरी इक्वेशन भी वैसी ही जैसी तुम्हारी और उनकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझना, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, हाँ,
बताओ कौन आएगा? हेलो, हाँ नाम बताओ। कैन आई गो नेक्स्ट? कैन आई गो नेक्स्ट? नहीं, नाम बताओ। हेलो, माय नेम इज प्रखर। योर नेम इज आल्सो प्रखर? यस। ठीक है प्रखर, आस्क मी अ क्वेश्चन। ये कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मोमेंट है एवरीबॉडी, एक मिनट सब शांत हो जाओ। हाँ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट कोर्स, इसने बहुत हेल्प करी। आई वॉज इन सर्टेन सिचुएशन, वहाँ पे बहुत हेल्प करी। हाँ बट आई वॉन्टेड टू आस्क, लाइक हाउ डू यू एनालाइज कि कैसे, इफ आई एम होल्डिंग माई ओपिनियन और एम आई नॉट बींग ओपन माइंडेड इनफ टू अंडरस्टैंड द अदर ओपिनियन इन अ कॉन्वर्सेशन। ब्रो, बाय डिफॉल्ट एक बात तो समझ लो कि स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस जहां मैं अपने लिए ठीक हूं, तू अपने लिए ठीक है। अब तू ओपन माइंडेड इतना हो गया कि तू उसके लिए उसका सच कंसिडर करने को तैयार है। मेरी बात ध्यान से समझियो, ठीक है? सपोज कल को मेरी और अनिकेत की लड़ाई हो जाती है। अनिकेत कहता है प्रखर तूने यहां गलत किया, मैं कहता हूं अनिकेत तूने यहां गलत किया। अब बात यह है कि प्रखर के लिए उसकी वर्जन ऑफ स्टोरी सच है, अनिकेत के लिए उसकी वर्जन ऑफ स्टोरी सच है। इतना ओपन माइंडेड तो रहना है प्रखर को भी अनिकेत को भी, कि अनिकेत यू आर अलाउड योर सच, प्रखर यू आर अलाउड योर सच। उसके बाद एक सेकेंड स्टेप लेना है, वो है प्रखर को कि अपना और अनिकेत का ओपिनियन छांट के देखना कि वो सच सच लायक है भी। ठीक है? तो फिर तुम उसको हाँ फिल्टर में डालोगे, और वो भी तब जब जरूरत है। सपोज यार अनिकेत कहता है प्रखर तूने मेरे चश्मे तोड़ दिए, मैं कहता हूं यार तू चुप रहा, तूने चश्मे मेरे मेरे नीचे रख दिए थे। ठीक है? अब वो चश्मे के ऊपर बात है यार, क्यों भसड़ करें हम? राइट, लाइक इट डज नॉट मैटर, वी कैन जस्ट लेट इट बी। अनिकेतना है राइट, बट सपोज वो चीज सॉर्ट करनी है, उसको सॉल्व करना है, तो पहले प्रखर अपने अंदर झांकेगा, बोलेगा मेरी मेरे स्टैंड में गलती क्या है। फिर वो अनिकेत के स्टैंड में झांकेगा, अनिकेत अपने साथ ये करेगा। प्रखर, मैं आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, आइडियल सिचुएशन। रियल लाइफ में सिर्फ शायद तुम अकेले ही एक्सरसाइज रन कर रहे होगे अपने साथ, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं होमवर्क कैसे किया जाता है। ठीक है? अब तुमने अपना स्टैंड एनालाइज कर लिया, सामने वाले का एनालाइज कर लिया, सामने वाले ने अपना और तुम्हारा अपना वो कर लिया स्टैंड एनालाइज, फिर तुम क्रिटिसिज्म ऑफर कर सकते हो, फिर तुम बोल सकते हो तुम यहां गलत हो दोस्त, और मैं यहां गलत था अपने स्टैंड में। और अगर तुम्हारी ये सिचुएशन मान लो प्रोफेशनल नहीं है, या तुम्हारी ये सिचुएशन मान लो ऐसे किसी इन्वायरमेंट में नहीं है जहां इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट है, अगर तुम्हारी सिचुएशन ये इमोशनल और रिलेशनशिप्स में है ना, तो ये टिप समझ लो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि तुम लोग अभी यू ऑल हैव, ओए अभी म्यूट कर लो अपने आप को जो भी अनम्यूटेड है। हाँ, तुम लोग अभी यंग हो, यू आर ऑल यंग गाइज, ऑल ऑफ यू, राइट? यू विल इवेंचुअली हैव लॉन्गर रिलेशनशिप्स, राइट? होपफुली यू विल हैव वेरी हेल्दी मैरिजेस दैट लास्ट फॉर डेकेड्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई कैन गिव यू अबाउट हैंडलिंग रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। इफ यू एवर हैव अ फाइट एंड देन यू वॉन्ट टू रिजॉल्व इट, और यू वॉन्ट टू टेल द अदर पर्सन वेर देवर रॉन्ग, फर्स्ट गो इन टू योर सेल्फ एंड सी एवरीवेयर वेर यू वर रॉन्ग पॉसिबली इवन, देन गो टू दैम बी लाइक लिसन दिस इज वॉट आईव डन फॉर माई होमवर्क, आई थिंक हियर इज वेर आई वॉज रॉन्ग, देन यू अर्न द राइट टू से वेर देवर रॉन्ग, एंड यू ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम टू डू द सेम। नाउ यू आर ऑन द सेम पेज वेन यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट? सो ओवरऑल यू रिमेन ओपन माइंडेड बाय फर्स्ट लेटिंग द पॉसिबिलिटी सिंह कि चाहे कुछ भी वर्जन हो, चाहे, और ये थोड़ा रेडिकल एग्जाम्पल हो जाएगा, बट मैं चलो लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स ले लेते हैं। आई सी वाई लेफ्ट आइडियोलॉजी मेक सेंस फॉर द लेफ्ट एंड वाई राइट आइडियोलॉजी मेक सेंस फॉर द पीपल ऑन द राइट। सी इट मेक सेंस? नाउ आई विल सी वेदर लेफ्ट एंड राइट स्टैंड द लॉजिक, और फिर मैं उसको लॉजिकली तोड़ूंगा। सो दैट इज हाउ यू रिमेन ओपन माइंडेड बट देन स्टिल क्रिटिकल। थैंक यू फॉर दैट। भाई मैं पूछूं? मनीष, मनीष हो तुम? सागर। सागर, हाँ मनीष, फिर अपना माइक म्यूट कर दो दोस्त। मैं इसके बाद तुम्ही से जिन्होंने हाथ खड़े कर रखे ना उन्हीं को बुलाऊंगा, मिहिर, नमन और मनीष को। हाँ पूछो सागर। भाई जैसे ही ना मैं किसी कन्वर्सेशन में घुसता हूँ, मतलब हाँ जैसे ग्रुप में घुसता हूँ या क्लास के आगे भी खड़ा होता हूँ, सबकॉन्शियस में यही आता है कि क्या हर बंदा मतलब मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाँ सीधा दिमाग में यही घुसता है। जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ अभी भी मेरे दिमाग में मतलब यही चल रहा है, जो जो यहाँ बंदे बैठे हैं हाँ वो मेरे क्वेश्चन को लेकर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ तो यही चीजें ना दिमाग में घूमती रहती है, तो हाँ नर्वस हो जाता है इस टाइप हाँ से। हाँ सही है, बहुत बढ़िया सवाल है। किस किस का ये सवाल है यहाँ पे चैट में लिख दो,
और तुम भी यूट्यूब वाले, क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल होता है कॉन्शियसनेस, तुम जहां से बोलोगे वहां से फोड़ेंगे इस प्रॉब्लम को, बता दो। एंड जैसा अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरा दिल पता नहीं क्यों इंजन की तरह दब 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 दब। कोई बात नहीं, दर दब 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 दिल सॉल्व कर देंगे, वॉल्यूम ऊपर कर दिया। अबे क्यों होगी वो भाई, मेरे को ना सच बता रहा हूँ, मैं इतना संतुष्ट हूँ इस आइडिया से, यूट्यूब पे चैट ही ऑफ कर देनी है ना, मैंने आज तक वो चैट रेवेन्यू पे ध्यान दिया है, ठीक है, और क्या ही चल रहा होता है वहाँ पे। अभी कोई बंदा बात कर रहा है, कह रहा है ये वीडियो डिलीट तो नहीं होगी, क्यों होगी डिलीट, और मैं 15 मिनट से देख रहा हूँ ये चल रहा है, क्यों होगी डिलीट, अलग ही अफवाहगिरी चलती रहती है चैटों पे। एनीवे आओ तुम्हें ये समझाते हैं। देखो अगर तुम एक कमरे में अकेले हो, तुम कितने गंदे हो, तुम कितने बदबूदार हो, तुम कितने बदसूरत हो, तुम कितने मोटे हो, तुम कितने छोटे हो, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टॉप मैटरिंग बिकॉज आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन बैक टू द कॉम्पिटिशन कंपेरिजन वाला पॉइंट दैट आई वॉज टेलिंग यू अर्लियर। जब तुम अकेले हो, इट डज नॉट मैटर तुम क्या हो बाहर की दुनिया के लिए, क्योंकि बाहर की दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। बट जब तुम लोगों के साथ हो इनवेरिएबली, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कि मैं कौन हूं तुम्हारे मन में इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कि मेरे आसपास वाले लोग क्या सोचते हैं। इसका एक एग्जाम्पल चाहते हो? जब लोग एक नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं या एक मीटिंग में जाते हैं, सूट पहन के क्यों जाते हैं? लोगों की आइडेंटिटी होती है बकायदा, ओ आई लव वेयरिंग सूट्स, इंस्टाग्राम पे देखे हैं वो लड़के, ओ डैपर सूट्स, दैट इज माय आइडेंटिटी। और सिर्फ वो नहीं, पूरा इंस्टाग्राम यूनिवर्स, यूट्यूब यूनिवर्स इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है एक सेंस। कितनी जल्दी ये बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं दुनिया की नजर में और हमारी नजर में, कि हम कौन हैं और दुनिया कौन है। शाहरुख खान हमारे लिए वो है जो चक दे इंडिया में था, मेरे लिए शाहरुख खान वो है जो DDLJ में था। शाहरुख खान उन दोनों में से कोई नहीं है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे जैसे शाहरुख खान को लोग और हीरो बोलने लगे अपना, शाहरुख खान अपने लिए कौन था चेंज होने लगा। दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, योर सेंस ऑफ हु आई एम इज डिटर्मिंड बाय पीपल अराउंड यू एंड यू कैनॉट हेल्प दैट। You cannot help that. There is no way you can get out of that. No matter who says what, there is no way you can get out of that. That is why the people who do get out of this are either alone or with people like them, like monks, priests, jo sadhu, baba, ye kya karte hain? Ikatthe ho jate hain, dur chale jate hain. Kyunki when you interact with maya, maya interacts back. And this is true for all social circumstance. All social circumstances is true. So no matter what room you're in, you're always wondering what other people think of me. Now here is a trick I'll tell you. Other people are wondering what you think of yourself. So if you think, if you try करके देख लेना कभी, silly trick है, long term काम नहीं करेगी, but तुम एक room में घुसने वाले हो जहाँ पे तुम nervous होने वाले हो, दोस्त जो भी सवाल सागर, घुसने से पहले खुद को बोलो मैं बॉप हूँ, मैं बॉप, like whatever charges you up, right? Like whatever funny show, oh, I know a very close friend of mine who would do that before he'd enter social situations, और ऐसे जोर जोर से सांस लेता and then he would walk in, बिल्कुल full animal mode, and for the first 5 minutes he thinks he's a beast. And everybody suddenly thinks he's a beast, so now he thinks he's a beast more than ever. He only hacked himself for 5 minutes, created an illusion, lied to himself, and then that worked for the party, puri. So, one of the things you need to understand is what you think of yourself totally influences how other people think of you. Totally. And how other people think of you influences how you think of yourself.
इट मूव्स इन साइकिल्स लाइक दैट, राइट? तो तुम यू आर रिडल्ड सारा टाइम विद व्हाट अदर पीपल थिंक, एंड इफ यू डू नॉट नो हु यू आर, यू विल ऑलवेज बी वंडरिंग व्हाट अदर पीपल थिंक, क्योंकि तुम्हारे पास अपना तो कोई इनपुट है नहीं ना पूरी इक्वेशन में, सारा इनपुट बोरो करना है बाहर से, सारा इनपुट बोरो करना है. तो पहले तो अपने आप को जानो, और अपने आप को जानोगे एक ही तरीके से, वो है गलती करके. गलती करके खड़े होके, गलती करके खड़े होके, गलती करके खड़े होके. क्योंकि अंडरलाइन जो ये डर है ना कि मैं अपने आप को एम्बैरेस कर दूंगा, ये निकलना बहुत जरूरी है सोशल कॉन्वर्सेशन में से. भाड़ चूल्हे में गई एम्बैरेसमेंट, आगे बढ़ो. ये एक बार निकल गया ना दोस्त, उसके बाद तुम ऑटोमेटिकली सोशल सिचुएशंस में बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दोगे. और जब तुम करते चले जाओगे, इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा, नाउ यू नो योर सेल्फ रफली स्पीकिंग. लाइक व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, आई नाउ गेट इट, लाइक आई हैव डन दिस 1000 टाइम्स. सो एक एंगल तो इस पूरी बात का ये है. दूसरा एंगल ये है कि एक्सेप्ट कर लो, मेरे को फर्क पड़ रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं, साइकोलॉजिकली मेरे को फर्क पड़ रहा है, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं. अब तुमने एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को जब एक्सेप्ट कर लिया ना, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बन जाता है. एक मैं बहुत ही रफ लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, यू आर लाइक ओके नाउ दिस इज द केस. लाइक ट्रस्ट मी, नर्वसनेस स्टिल हैपेंस व्हेन आई एम गोइंग लाइव राइट हियर. आई स्टिल गेट नर्वस, मैं पॉडकास्ट करने शुरू वाला हूँ, बट नाउ आई नो आई कैन चैनल इट, बिकॉज आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. आई एम लाइक ब्रीद आउट, फोकस, एंड सडनली इट गोज. द थर्ड थिंग इज डेवलपिंग मेंटल मसल ब्रो, विच इज रिमाइंडिंग योर सेल्फ, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा बैगेज तो तुम उठा ही रहे हो दुनिया का, कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है. तुम अपने आप को बोलो मैं हूं ओरिजिनल, मैं जैसे भी कपड़े पहनूं. अब जैसे आई थिंक आई विल गो डू अ टेड, आई एम नॉट गोइंग टू वेयर अ सूट, आई होप आई डोंट वेयर अ सूट, लाइक प्लीज वेयर माई हुडी, राइट? ओरिजिनल, एंड ऑफ स्टोरी. कर ले जो करना, मतलब हुडी इज नॉट ओरिजिनल बट इट्स लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू डू मी. कर लो जो करना है. और अच्छा, इन सब चीजों में आपको हेल्प मिलेगी इफ यू आर वेरी गुड एट योर स्किल. जो तुम्हारी रियल लाइफ स्किल होती है ना, तुम चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे तुम लॉयर हो, चाहे तुम यूट्यूबर हो, अगर इफ यू आर वेरी गुड एट इट, देन यू हैव इनफ अपॉर्चुनिटी एट ऑल पॉइंट्स एनीवे. फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि इस रूम में मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, राइट? सो बीइंग गुड एट व्हाट यू डू रियली हेल्प्स यू विद लेटिंग गो ऑफ पीपल्स ओपिनियन. ये रियलिस्टिक एडवाइस है ऑफ हाउ टू गिव अप पीपल्स ओपिनियन. बी जस्ट बी ग्रेट एट व्हाट यू डू. तो तुम अभी हाउ ओल्ड आर यू सागर? 19. Right, you're just starting off, bro. You are just entering the world. The next 5, 6, 7 years, do not stop yourself for the fear of embarrassment. Go, 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 embarrass yourself. Get out of there. Whatever. Practice one skill, whatever that might be. Very much insane. And then 5 or 6 years down the line, you'll be an absolute beast. But tum ek bar soch ke dekho, 5-6 saal ki, और 5-6 साल में भी सिर्फ पहले 1.5 साल तुम्हें धक्का लगेगा, उसके बाद तो गाड़ी चल पड़ेगी. और 1.5 साल भी मैं बहुत कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी 2-3 महीने में वो पूरा प्रोसेस ओवर हो जाता है, जहाँ यू हैव टू फिजिकली फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग. फिर गाड़ी दौड़ती है, यू वर्क फॉर 4-5-6 ईयर्स ब्रो, लाइफ टाइम रिटर्न है स्किल का. सो अ पार्ट ऑफ द रीजन वाई यू ऑल्सो केयर अबाउट वट अदर पीपल थिंक इज बिकॉज यू आर एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड प्रॉबली, एंड यू डोंट नो हु यू आर इन दिस वर्ल्ड, यू डोंट नो हु यू आर इन दिस रूम. And so you were waiting for other people to tell you that. Input borrow करना है उनसे, ठीक है? तो एक तो तुम अपने आप को बता सकते हो तुम कौन हो, एक तुम वाकई कुछ बन सकते हो. अपने आप को बताना वो मैं तोड़ दूंगा, मैं बस जाऊंगा मैं, ठीक है? एक तो ये वाला जोन होता है जो लोग इंटरव्यू से पहले करते हैं. एक होता है तुम एक्चुअली कुछ बन जाओ, वो अपनी स्किल अप कर लो. और तीसरा है अपने आप को जान जाओ, उसका गलतियां कर लो जितनी कर सकते हो, जितने डर फेस कर सकते हो कर लो. ये 3 आउट्स हैं तुम्हारे, समझ रहे हो? हेलो, ओके, थैंक यू एंड लव योर कंटेंट भाई. थैंक यू मिहिर. ओके,
तुम काफी देर से हाथ खड़ा करके बैठे हो। रुको रुको, मीर को पूछने दो। हाँ मीर बताओ। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि how do you get better at asking more meaningful questions? Also, like suppose कि like किसी से पहली बार मिल रहे और उसी conversation में how can I go so deep कि like wait just like how you said कि you listen to the other person very carefully. That's what you do. Like really carefully. जैसे कि one of the more meaningful questions I could ask Sagar was how old was he? Right? It's not oh my god meaningful, but it's very valuable. To understand his question. And right. Pehle maine, because I was busy wondering about what the answer is going to be, because the question was tough and I have to come up with it right on the spot for 1,000 people, I did not hear that part carefully. Then I went back, I was like, what did he say? And I was like, wait, are you young? And that's immediately a meaningful question. Tumhe bahut intently sunne ki zarurat hai usko, aur kisi bhi cheez ko for granted lene ki zarurat nahi hai. हम जब किसी को सुनना शुरू करते हैं, स्पेशली somebody who speaks like I do, which is powerful speaking, हम ऑटोमेटिकली बाकी लोग कहते हैं सरेंडर, ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे होंगे, ये जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे होंगे. दिस हैपेंस विद व्हेन यू आर डीलिंग विद पावरफुल मैन और पावरफुल वुमेन और अट्रैक्टिव मैन और अट्रैक्टिव वुमेन. ओवरऑल यू आर लाइक, ये तो सब कुछ सच बोलेंगे, इनको पता है, राइट? जस्ट बिकॉज दे स्पीक वेल. एंड ट्रस्ट मी ब्रो, लाइक इवन विद माई attempt to stay bilkul on guard ki kuch bhi ulta na bole, I have been fooled like this because I have met people who speak just phenomenally well and you're like bhai ye to sach hi keh raha hai. And then to samajh rahe ho, to what you have to do is you have to listen very carefully and not, you should not be wondering what you will say, you should be wondering inki baat ka sense kya hai. And then you will discover ek chhota sa hole hoga जहाँ तुम शायद डाउटफुल हो कि ये एक पार्ट जाएगा, या तुम डाउटफुल हो कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी नहीं इस पार्ट की. उस होल को पकड़ो और चीर दो और बोलो यहाँ पे एक सवाल है. अच्छा, द अदर थिंग दैट आई वांट टू एग पीपल टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल इज ब्रेक अ बाउंड्री. यार हमेशा ऑलवेज ब्रेक अ बाउंड्री. जैसे हाँ, तो मैं समझा रहा हूँ. जैसे अब तू और मैं बात कर रहे हैं, ये वो जगह नहीं है जहां पे यू प्रॉबेबली ब्रेक द बाउंड्री इन दिस वे. सपोज हम एक रूम में बात कर रहे होते हैं, तू और मैं, तू मेरे से पहली बार मिला है. अब मैं तेरे से स्टैंडर्ड क्या सवाल पूछूंगा? स्क्रिप्ट एक रफ हमारे दिमाग में चल रही है, तू कौन है, तू क्या करता है, तू कहां से है, तू कितने टाइम से प्रखर के प्रवचन दे रहा है, देख रहा है, तू बोलेगा ये वो एटसेट्रा. अब मैं बोलूं तेरे पापा क्या करते हैं, ये स्लाइट ब्रेकिंग ऑफ द बाउंड्री है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था. मैं तेरी आंखों में देखूं तू मरने से पहले क्या क्या कर लेना चाहता है, ये एक और लीप है ब्रेकिंग द बाउंड्री में. मैं बोलूं तेरा लास्ट ब्रेकअप पेनफुल था ना, ये एक और लीप है ब्रेकिंग द बाउंड्री में. और इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूं. और कितना डीप है ब्रेकिंग द बाउंड्री डिपेंड्स ऑन मेरे को कितना डर लग रहा है बोलने में, राइट? और तू जितनी जितनी बाउंड्री ब्रेक करेगा ना, और अगर तू उसको होल्ड कर गया उस टाइम में, सामने वाला इंसान बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा ब्रो. बट वही ना, तो लाइक वो पता कैसे लगा है कि कहाँ पे उसका, मतलब सपोज कोई चीज बहुत ज्यादा ओवर द लाइन हो सकता है, सो लाइक हाउ डू यू लाइक गॉज दैट कि वो, मतलब कांट, समटाइम्स यू मेक अ मिस्टेक. देख सपोज मैं तेरे से बोलूं, लेट मी सी, तेरा लास्ट ब्रेकअप पेनफुल है ना, था ना, और हम अभी मिले, दो सेंटेंस बात हुई है, मैं सिर्फ मजे लेने के लिए तेरे से बोलती है, तो बोल रहा है क्या पूछ रहा है भाई, सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को लगा इसलिए पूछा. Now I'm standing by what I said. I'm not being rude. I'm just being like, I asked you a question. What's wrong? मेरे लिए ये question पूछना normal है. ये vibe दे रहा हूँ मैं. I'm just standing by my question. As if मैंने पूछा तो लोकी की सब्जी खाता है, तू बोलेगा भाई ये क्या question है, बोलूँगा भाई क्या है, सवाल है ना, पूछा है, क्या problem है, खाता है नहीं खाता है बताना. Same level पे. मैंने पूछा, bro, तेरी लोगों से बात करने में फटती है ना, मैंने boundary cross किया था, ओए क्या पूछ रहा है, तूने मेरे से बोला भाई क्या बात कर रहा है, मैंने बोला क्या है, सवाल पूछा है ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट? आई स्टैंड बाय माय क्वेश्चन एंड दिस इज वन वे, देयर इज मेनी वेज टू स्टैंड बाय योर क्वेश्चन. से यू स्टैंड बाय योर क्वेश्चन एंड देयर क्लियरली एजिटेटेड, देन यू आर लाइक आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ओवरस्टेप अ लाइन, आई वाज ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, खत्म, ऑफ, मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक. बाय द वे, तुम्हें तुरई की सब्जी पसंद है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, खत्म. हाँ
जब ऑकवर्ड हो जाता है कन्वर्सेशन लाइक उसको लाइक हाउ डू यू लाइक मैनूवर अराउंड इट लाइक सॉर्ट ऑफ स्मूथ बेस्ट सॉल्यूशन है बोल भाई कितनी ऑकवर्ड हो गई कन्वर्सेशन एक साथ सीधा से दैट एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड जब भी तुम्हें लगे ना तुम किसी से बात कर रहे हो कन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो गई ओ माय गॉड कितनी ऑकवर्ड हो गई कन्वर्सेशन ब्रो अगर तुम्हें कन्वर्सेशन सीखना है ना एक इंसान को जिसको इमेजिन करना चाहिए वो है गीत फ्रॉम जब वी मेट वो जहां पे भी कुछ गड़बड़ होती थी ना वो मेटा हो जाती थी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे समझ रहा है वो एक्सपेक्टेशन रूम में है उसने बोल दी उसने बोल दी वो मेटा हो जाती थी तो जब भी तुम्हें लगे ना तुम एक रोड ब्लॉक पे मेटा हो जाओ यार मेरे पास अब क्वेश्चंस नहीं बचे तू पूछना कुछ लेजिटिमेट बता रहा हूं दीज आर थिंग्स आई से आई एम टेलिंग यू स्टफ दैट आई यूज राइट हियर दिस इज ऑल ऑफ द स्टफ आई यूज लाइक आई हैव लेजिट आस्क्ड बोथ मेन एंड वुमेन योर लास्ट ब्रेकअप वाज पेनफुल राइट And with no context, and in my head I cannot stop laughing क्योंकि उनके चेहरे bold हो गए उनको समझ नहीं आ रहा और मैं wait कर रहा हूँ And as soon as they're like हाँ I now know a new door is open अब हम इस बात पे friends बन सकते हैं So I'm not going to exploit it I'm going to be like so was mine One heartbreak to another you know और अब मैंने उस बात को funny भी बना दिया right like relate high five relate हो गया इस बात पे हमारा last breakup कितना sad था इस बात पे हम friends बन गए So, मैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट ब्रेक अ बाउंड्री ब्रो ऑलवेज बिकॉज वो फिर ना तुम्हें एक नया एस्पेक्ट डिस्कवर करवाता है क्योंकि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम बहुत अबंडेंट हो जाओगे लोगों में तुम्हारे पास कमी नहीं होगी लोगों से बात करने की फिर तुम बोलोगे मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो या तो मेरे को बहुत कंफर्टिंग फीलिंग देते हैं जो कि मेरे पुराने दोस्त हैं मेरे ये वो फैमिली है एटसेट्रा या बिल्कुल बिल्कुल ही नॉवल फीलिंग देते हैं एक टाइम ये आ जाएगा और लेजिटिमेटली आ जाएगा दोस्त फिर तो इट इज व्हाटएवर इट इज फिर तो क्रेजी है जो है कोई सीन नहीं है ब्रो हेलो हेलो हाँ बताओ नाम बताओ राहुल हेलो यस सर हाँ बताओ राहुल हाँ किस थक तो नहीं गए ना आप शाम को फुटबॉल खेलने गए थे सारे लोग ताली बजा दो भाई ये बंदा महीनों से लगा हुआ है इसे कहते हैं परसिस्टेंस बंदा भाई महीनों से कह रहा है कि मैं फैंटेसाइज की बात कर रहा है ना मैल एडैप्टिव डे ड्रीमिंग हाँ, भाई किस स्केल पे करता है तू ये काम बहुत लाइक ऑन स्केल ऑफ 1 टू 10 आई वुड से 7 और 8 तू पूरा दिन बैठ के सोचता रहता है क्या होगा फ्यूचर में या फिर अभी मैं एक्चुअली चेस बहुत फॉलो करता हूं तो आई सी माय सेल्फ एज अ चेस प्लेयर कि मैं आनंद के साथ खेल रहा हूं विदित के साथ खेल रहा हूं मेरी लाइफ ऐसी होगी हां आई एम आल्सो सेल्फ अवेयर अबाउट इट हां बट फिर मैं तो भी उसमें घुस जाता हूं तो भाई तू कर कम रहा है तेरा दिमाग हाइपर एक्टिव इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी रियलिटी वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर नहीं कर रही तेरा दिमाग कह रहा है सिमुलेट कर लो क्योंकि रियल लाइफ में नहीं हो रहा समझा नहीं मैं देख तू एक पॉइंट पे ए आगे ऑप्शन है बी सी डी ई एफ तू एक जंक्शन पे है तू सपोज फरीदाबाद में है आगे ऑप्शन है ये राइट जाएगा नोएडा लेफ्ट जाएगा गुड़गांव सीधा जाएगा दिल्ली और अगर टेढ़ा जाएगा तो सोनीपत अब अगर तू गाड़ी नहीं चलाएगा ना तो तेरा दिमाग मेंटली एक एक जगह जाना शुरू करेगा और अगर उसको ये फीलिंग पसंद आ गई ना तो वो इस आदत में पड़ जाएगा जहां अब तेरे को गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं तो तू ठुकेगा नहीं तू मरेगा नहीं कोई रिस्क नहीं और तू मेंटली वो सारी जगह जा सकता है बी सी डी ई फरीदाबाद से नोएडा नोएडा से समझ रहा है अब अगर तू इस प्रोसेस को बहुत टाइम तक रिपीट होने देता है तो तेरा दिमाग कहता है काम करने की क्या जरूरत है रिजल्ट तो सारे मेंटली मिल ही रहे हैं ना इमेजिन करके करेक्ट क्योंकि रफली अगर मैं तेरे को बोलूं इमेजिन कर तेरे ऊपर 25 सांप गिरे पड़े हैं थोड़ा डर लगता है ना वो थोड़ा हार्मोनल रिलीज तो मिल रहा है ना जब हम एक नए रिलेशनशिप में घुसते हैं हम बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाते हैं ओहो मैं उसके साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ काश राइट लाइक मन में ऐसे सपने देखने लग जाते हैं टाइप के जो उदय चोपड़ा के साथ धूम में दिखाया था वो एक फोटो दूसरी फोटो है ना वो बेसिकली क्या होता है मैं वो हॉर्मोन्स फ्यूचर से बोरो करके अभी ले लूँ मैं वो करे बिना उस चीज को मेंटली इमेजिन करके
थोड़ा एक्सपीरियंस कर लूं। तू मेरी बात समझ रहा है? जो सर्कमस्टेंस अभी हुआ नहीं है उसको इमेजिन कर लेता हूं तो मेरे को वो सेम मेंटल न्यूरोकेमिकल रिवॉर्ड मिलेगा, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा। करेक्ट। और तेरे को उस थोड़े की ना आदत पड़ गई है। हाँ, तो सेटिस्फाइड ऐसा फील होता है। हाँ, कि 100% 100% ब्रो। सो उससे निकलो कैसे बाहर? काम करके। ग्लैम उसके लिए श्वेता, श्वेता बिल्कुल सही बात कहता है, काम करो उसके लिए। क्योंकि तुम जब लिटरली काम करना शुरू करोगे होगा क्या, अब तुमने गाड़ी चलानी शुरू करी, अब तुम्हारी गाड़ी नोएडा की तरफ जा रही है, तुम्हें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जिंदगी वहां जा रही है। ओके, अब तुम वाकई वो जिंदगी जी रहे हो, अब तुम बोल सकते हो दिमाग अब तू गाड़ी चलाने फोकस कर, कोई ठोक ना दे आगे। समझे? समझा। हाँ। मैं सेल्फ अगर तो हूँ प्रॉब्लम के बारे में, पर तो भी मैं वो एस्केप हो जाता हूँ, यू नो। देख, तो देख तेरा दिमाग, तेरा क्या, किसी का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। तेरे दिमाग की कुछ आदतें हैं, मेरे दिमाग की कुछ आदतें हैं। ओके। मेरा दिमाग किसी और डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। मेरा दिमाग जाता है ऐसी अनशन चीजें सोचने के डायरेक्शन में जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कब कब से जा रहा है, जब कोई, जब थूकते भी थे लोग, कहते थे तेरे दिमाग में ये चलता है, मैं कहता हूँ हाँ ऐसे ही आती है मेरे को जीना, ठीक है। तेरे दिमाग में ये चलता है, तेरी आदतें ही हैं, हम दोनों को पता है हमें करना क्या है। जितनी बार अवेयर हो खुद को काउंटर रिमाइंडर देना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल जा नहीं रहा काम की तरफ। और काम मतलब तेरा प्रोफेशन या तेरा करियर नहीं, चीजें कुछ भी। okay. तू अगर पूरा दिन बिजी होगा ना मेरे भाई, सिर्फ बस सोचने का टाइम ही नहीं है, डे ड्रीमिंग वाला बस। करेक्ट, करेक्ट, बस सिंपल, मैं पूरा दिन मेरा पैक्ड रहता है ना, तभी कुछ होता ही नहीं है। बस सिंपल, तेरे को, तू अभी क्या उम्र है तेरी? 22। तो तू, यू शुड बी लिविंग दैट लाइफ फॉर द नेक्स्ट 5-7 इयर्स एटलीस्ट, जहां तू सुबह से उठता और तेरे पास, भाई मैं तेरे को बता देता हूँ, मैं चार चीजों के नाम लूंगा, तू अपने आप सोचने लगेगा मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। और वो ऐसी भी कुछ चीजें नहीं होंगी, कितनी किताबें पढ़ रहा है, एक्सरसाइज कितनी कर रहा है, मेडिटेट कितना कर रहा है। ये दो किताबें हैं, उनमें से एक किताब पढ़ने लायक भी नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सी। बट यू गेट माई पॉइंट, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कुड बी डूइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मतलब अपना प्रोफेशन करियर वाला काम करो, किताबें पढ़ो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, घर वालों के साथ बैठो, कुछ अपने सोशल उसमें कुछ काम बनाओ, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, जो भी तुम पढ़ रहे हो पढ़ो, तुम्हारा करियर है करियर पे ध्यान लगाओ, ग्रोथ पे ध्यान लगाओ। ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अभी दिमाग बाप है, वो कह रहा है ओए राहुल सोच इस बारे में, राहुल कह रहा है हाँ, नहीं बाप तुम होने चाहिए, तुम बोल दिमाग इस बारे में सोच, ये सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, दिमाग बोले हाँ जी सर, वो हो जाएगा फिर। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट 3-5 इयर्स ब्रो, यू शुड बी लिविंग अ लाइफ वेयर यू आर मोस्टली बिजी। Okay. Mostly busy. I'm not saying entirely busy. वो hustle, toxic bullshit नहीं कि your job is your god kind of bullshit, वो नहीं। But mostly busy. You are made to play with the world. Don't play with it in your head. That's वो बहुत मतलब it's a misuse of life. Okay. ठीक है? नाकामुरा का जो स्ट्रीम सेटअप है ना, जो मतलब उसका पूरा स्ट्रीम का फील है, दैट आई रियली लाइक। बाय डिफॉल्ट यू लव मैग्नस, बिकॉज मैग्नस इज जस्ट अ बीस्ट ऑन द बोर्ड ब्रो। क्या गेम प्ले है भाई बंदे का, क्या गेम, मतलब नेक्स्ट लेवल। इन वेस्टली सोने उसका बर्थडे भी बिगाड़ा, वैलेंटाइंस डे भी बिगाड़ा ब्रो। वेस्टली सोने उसका बोगी हुआ है ब्रो। वेस्टली सो मतलब खा जाता है उसको ट्रूली। एक और क्वेश्चन है इससे, हाँ अभी आपने देखा रहेगा नाकामुरा 8-8 घंटे स्ट्रीम करते हैं, हाँ। तो भी टॉप लेवल पे खेल रहे चेस, पर वेस्ली सो के बारे में अगर आप जानते रहेंगे तो वो फोन तक भी नहीं छूता, हाँ। तो भी वो दोनों टॉप लेवल पे कैसे, एक पूरा दिन स्ट्रीम करते हैं। अपने स्टाइल पे फोकस करना, दैट्स फोकसिंग ऑन योर स्टाइल, दैट्स फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर गुड एट। ओके, दैट्स फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर गुड एट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ,
तभी तो मैंने, तुम पूरे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में देखोगे कहीं पे भी मैंने ये नहीं बोला ये करो, मैंने बोला ये एक मोडालिटी है, ये एक तरीका है, इसको अपने तरीके से यूज करो, रिस्क लेने अपने तरीके से लो, अपने तरीके से लो ब्रो, मेरे अपने तरीके हैं, और मैं जिन लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करते हैं उनके अपने तरीके हैं, मैं उनके तरीके नहीं कॉपी कर सकता, मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा वो फ्रेम, मैं वो बोलूंगा मैं उस पर आई कैन नॉट स्टैंड बाय इट, बी ऑथेंटिक. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डू इट योर वे, दैट्स हाउ यू विल कम आउट विद द बेस्ट रिजल्ट्स. वो ट्राई कर चुका हूं मैं सब, थोड़ा किसी को इमिटेट करना, पर नहीं होता है, नहीं होता वो. चलो ठीक है, थैंक यू. मैंने ना रिसेंटली एक नया कंपनी ज्वाइन किया है, इट वॉज माई फर्स्ट कंपनी एज अ प्रोफेशनल, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज तक मैं जो लोगों के साथ बात करता था वो एकदम फनी वे में बात करता था, लाइक कैजुअल फ्रेंड्स राइट, बट व्हेन इट गोज टू कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन आई डोंट नो हाउ टू स्पीक प्रोफेशनली or how to make difference between friends and professional talk. Good. Like I got a request, I got a notification from LinkedIn ki my vice president view my LinkedIn profile and I send the request, he accepted it. But when it comes to face to face, what should I do, how do I approach simple. Them follow the most basic. Dekh, starting point jo hai na tera uske liye tu mere se kya keh raha hai prakhar, mere ko na friendship wale rule samajh aate hain, ha mere ko na work dynamic wale rule samajh nahi aate, ha theek hai, ek to bhai wo ek cheez hai jis pe hum kaam karenge, dusri ek baat ye hai ki india mein waise bhi work dynamic wale rule tel lene gaye hue hain, unprofessional bhasad hai theek hai, par wo ek aur baat hai usko jaane dete hain, ab hum baat karte hain tere ko ye wale rule seekhne hain, तेरे को मैं स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ इन रूल्स का प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस की, ठीक है, हाय हाउ आर यू डूइंग गुड, हाउ इज द डे, स्मॉल टॉक, बस प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन इज स्मॉल टॉक इनिशियली, मैं ये नहीं कह रहा उसको वहां तक लिमिटेड रखने को, मैं कह रहा हूँ वो इमेजिन कर, वो तेरा बेस है, जहां तेरे को ना समझ आए सिर्फ स्मॉल टॉक कर, आई होप योर डे इज गुड, हाउ इज योर वर्क हियर, डू यू लाइक द ऑफिस, स्मॉल टॉक, समझ रहा है, बिल्कुल देख, इन एनी केस जब भी तू किसी से बात करता है ना, यू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट इज ईदर इन द मिडल ऑफ यू, सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट इज ईदर इन द मिडल ऑफ यू, किसी का अनम्यूट हो गया इधर, वो बिल्कुल अपना माइक म्यूट कर दो दोस्त, हाँ या तो वो सब्जेक्ट तुम्हारे बीच में पड़ा है या वो मेंटली तुम्हारे बीच में पड़ा है, या तो तुम जैसे मान लो फुटबॉल की बात कर रहे हैं मैं और विशाल बैठ के, क्योंकि हम फुटबॉल पे रिलेट मारते हैं, हम दोनों फुटबॉल देखते हैं, है ना, तब हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं कि भाई कल मोदी ने क्या किया, राइट क्योंकि हम दोस्त हैं, हम किसी बारे में भी बात कर सकते हैं, विद काम, हमारे बीच में काम है, हाँ तो काम की बात होगी और स्मॉल टॉक होगी, बेसिक, ओके ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, रुक सुन सुन सुन, अब यहां से तेरे को एडजस्टमेंट्स लेनी है, हाँ धीमे धीमे करके स्टेप्स लेने हैं, ओके सबसे नेचुरल डायरेक्शन में स्टेप्स ले, मीटिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना एक आइडिया, काम से रिलेटेड ही है, ओके सर आई हैव एन आइडिया, I may be nervous okay. saying it, but can I please try? कोई मना नहीं करेगा. बोल दे आइडिया. ठीक है? Sir, I have a suggestion. Okay. I am nervous. Can I say? Say your suggestion. ठीक okay. है? दो तीन चार बार. हाँ. उसके बाद एक लेवल तू ऐड करेगा, जो कि एक अनइंटरेस्टेड तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना होता है, क्योंकि okay. उसमें डर कम लगेगा. अब जब तू कॉम्प्लीमेंट देता है, यू सॉर्ट ऑफ ब्रेक अ बाउंड्री, सो यू आर मेकिंग, यू नो, यू आर गेटिंग अ लिटिल क्लोजर टू पीपल. Which is, okay. सर आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा सर आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट right? मैं इन्वेस्टेड नहीं हूं, मैं बहुत ही एक डिटैच तरीके से, सर आपका सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, okay. वो बोलेंगे थैंक यू, कहां से लिया, एक सवाल और, फिर तू धीमे धीमे करके ना यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रूल्स क्या है यहाँ पे, बिकॉज तू और लोगों को बात करते देखेगा खुद से आपस में, तू इतना कंफर्टेबल हो गया है कि लोगों को पता है तू कौन है, नाउ यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग मोर एंड मोर, ओके सो स्टार्ट, ये तेरा टेक ऑफ पॉइंट है, स्मॉल टॉक एंड वर्क रिलेटेड टॉक, ऑलवेज बी स्माइलिंग, ऑलवेज बी वेलकमिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टाइप वाले एटीट्यूड में इनिशियली, आई एम टेलिंग यू दिस टू रिमेन सेफ, समझ रहा है, यहां से तू उसको चेंज करेगा, तू ग्रो भी करेगा, बट ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट है, उसके बाद धीमे धीमे एलिमेंट्स जोड़, ओके समझ गया, क्लियर, समझ गया, हाँ ओके. हेलो प्रखर भैया, हाँ बताओ भैया, सवाल पूछ सकता हूँ, हाँ नाम बताओ, प्रखर भाई, हेलो मनीष, मनीष एक नमन काफी देर से पूछने की कोशिश कर रहा है, पहले मैं नमन से ले लेता हूँ फिर मनीष से ले लेता हूँ, फिर मनीष से ले, नमन बताओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी,
हमारा माइक काम नहीं कर रहा नमन, नहीं नहीं आ रही ना आवाज। हेलो ये नमन है, हेलो बोल रहा है जो, नहीं नमन तेरी किस्मत आज ऑफ है। डीएम कर दे क्वेश्चन या एक बार फिगर आउट कर ले अपना माइक, 5 मिनट ले ले फिर तेरे को मैं बुला लूंगा। मनीष तू बता क्या हुआ भैया, थोड़ा नर्वस हो रखा हूँ मैं थोड़ा। कितना ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना नर्वस है सच बताइयो, और तूने अगर एक भी नंबर ऊपर नीचे किया मैं अभी तेरे को इस चैट से 10 ही ले लो आप। 10 ही ले लूं, ले लूं पक्का 10? नहीं भैया 10 बिल्कुल ले लूं, घर ले लूं 10 रख लूं फिर बिल्कुल नहीं दूंगा एक भी। हाँ रख लो रख लो ठीक है फिर, अब तू जीरो हो गया उसके बाद तो कमी होने, आप रख लो 10 सारा 10 मेरा हो गया, अब तू जीरो नर्वस हो गया, बता क्या होगा। हाँ बता, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जिससे मतलब आप अच्छी तरह सोल्यूशन बता पाओ। बिल्कुल हाँ, जैसे मैं 12th तक बॉयज़ में पढ़ा था, फिर उसके बाद जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैं उसमें फेल हो गया, और अच्छी तरह अपने क्या बोलते हैं उसमें एक वो फ्रेंडली बना नहीं पाया नेचर, पर 12th मतलब ये फीमेल से रिलेटेड है, मैं उनसे ढंग से बात नहीं कर पाता। 12th तक काफ़ी खप करी थी मैंने, है ना। हाँ यूँ भी नहीं कि मतलब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो, बहुत ज़्यादा हम शरारते करते थे। हाँ, मैं वो लॉन्डो वाली शरारते हैं, लड़कों वाला सीन है वो। कहाँ चले गए मनीष कॉन्टेक्स्ट देते हुए? क्या हमारे बीच मनीष हैं? मनीष मनीष लगता है हमें अगले कॉलर से बात करनी पड़ेगी। आरजे फुल आरजे मोड ऑन। Bro, can I ask? Can I ask a question? Nandini. So, wait, hold up. I'm interested. I hear a female voice. Tell me, Nandini, right? Right. Yes, sir. Please go ahead. I'm a student. And so, अभी online conversation में before asking any question to a teacher, मैं उसे पहले notebook में लिखती हूँ and then I ask it. Is there any way to get rid of that? Why do you want to get rid of that? Because if I meet them, मैं उनसे बिना लिखे बात नहीं कर पाऊंगी, and अच्छा, that would not work. ठीक है, तो एक तो I think there is a level, तुम basically you're just trying to be careful, ठीक है, जो तुम practice कर रही हो ना उसे कहते हैं being careful while asking questions, तो उसमें कोई problem नहीं है, वो बहुत बढ़िया आदत है, in fact, तुम लिख लेती हो समझ लेती हो question में sense है भी कि नहीं, क्योंकि majority लोग सवाल पूछते हुए हकते हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर इंस्टेंस अब मैंने तुमसे पूछा, अपने आप को म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो जिसका भी माइक म्यूटेड नहीं है, राइट? ठीक है, अब मैंने तुमको अगर सीधा पूछा, मैंने तुमको अगर सीधा म्यूट योर माइक्स, हूएवर इवन नंदिनी यू म्यूट योर माइक। सो नाउ आई आस्क यू स्ट्रेट अप, उसमें प्रॉब्लम क्या है, एंड यू इमीडिएटली न्यू कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, दैट्स बिकॉज यू थॉट योर क्वेश्चन आउट, दैट्स जस्ट बीइंग केयरफुल, दैट्स नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड। द प्रॉब्लम इज व्हेन like you said when you cannot operate without that framework, ki main operate hi carefully kar sakti hu bas, main risk le hi nahi pati. Iska simple solution Nandini frankly ye hai ki tum jao teacher se ulte seedhe sawal puch lo, galti kar lo, it's just a blocker that's stopping you from making mistakes. Agar tum classroom mein question puch rahi ho, there is no problem with writing it out first. What you are nervous about is embarrassing yourself. तुम्हारे पास रिट्रीटिंग ऑप्शंस है, सपोज यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन हाफ वे थ्रू यू फॉरगेट द क्वेश्चन, यू नो लॉन्गर नो हाउ टू आस्क दैट क्वेश्चन एटसेट्रा एटसेट्रा, रिट्रीट कर लो, बोलो आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन, इट्स स्किप माय माइंड, द थॉट लेफ्ट माय माइंड। तुम्हारे पास बहुत रिट्रीटिंग ऑप्शन है, सपोज तुमने क्वेश्चन पूछा एंड यू सडनली रियलाइज कि क्वेश्चन कितना डम है, आई सी इट, आई सी नाउ, इट मेक सेंस। तुम्हारे पास अनगिनत रिट्रीटिंग ऑप्शन हैं, पर शेर के मुंह में हाथ डाल दो, आई एम सॉरी इफ माई क्वेश्चन इज अ लिटिल स्टूपिड बट दिस इज माई क्वेश्चन, फिर वो स्टूपिड है भी तो तुमने पहले ही अपने आप को इंश्योरेंस दे रखा है। हेल्प मी सी, आई मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग प्रॉपरली, बट अपना क्वेश्चन पूछ लिया। अब तुमने शुरू में ही प्रेमिस ये ले कर दिया है कि मैं शायद ढंग से समझी नहीं थी, तो तुम्हारे पास रिट्रीटिंग ऑप्शन बहुत हैं, बट तुम्हें ट्राई करना होगा। एज अ जनरल पॉलिसी दिस इज नॉट बैड, बट वेन यू कैन ओनली ऑपरेट लाइक दिस इट्स अ प्रॉब्लम। समझ रही हो?
एक मिनट के लिए इसकी हवा टाइट हो गई थी, कहता भाई मैं आया भी अब बात भी नहीं कर पाया। हां बता सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर लवर कंटेंट, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं सिंस यू हैड 3000 सब्सक्राइबर्स एंड यू जस्ट लॉन्च योर फर्स्ट आर्ट कंपोजिशन कोर्स एंड लवर कंटेंट लिटरली एंड आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी हूं, डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी हूं एंड लवर कंटेंट। ओके सो टू क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपका जो था वो रॉयल रियल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे रॉयल रियल देखे हैं सारे, मतलब उसमें से 5 मिनट राइट देखे हैं सारे के सारे। तो एक रॉयल रियल में आपकी बात हुई थी आपके और शब्द आपकी अबाउट दिस कोर्स ओनली आउट ऑफ कन्वर्सेशन राइट, कि उस वो काफी अच्छी डिबेट हुई थी तो उसके अंदर अच्छी डिबेट तो घंटे की थी वो। हाँ हाँ बोल, मतलब ठीक थी, मतलब एक रिजल्ट निकल गया, जबरदस्ती की इंटेंस डिबेट थी। हाँ बता बता। एंड में ये जो निकल के आ रहा कि जो श्वेताब बात कर रहे थे वो थी वो एक काइंड ऑफ फर्स्ट लेवल, और जो आप कह रहे हो वो सेकंड लेवल है, लाइक पहले यू नीड टू मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन एंड देन यू कैन गो टू दिस काइंड ऑफ कोर्सेस एंड ऑल। सो पहले इसके बारे में बताओ कि जो फर्स्ट लेवल है सेकंड लेवल है इस पे आपका क्या कहना है, बिकॉज वो डिबेट में तो बहुत मैस हो गया था ब्रो, वो मैस हो गया तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि फर्स्ट लेवल। Yes, I don't know why that debate went that way. मेरे को समझ नहीं आया था, because sometimes, like not sometimes, but that particular point, I was like, what is he even saying? Because if I remember correctly, वो ये कह रहा था, तुम एक point पे he said, it's like, तुम्हें अगर conversation में better होना है, तुम जाओ, be yourself, then come home, write about it, and that will help you become a better conversationalist. And I'm saying, तुम लिख भी लोगे, तुम्हें क्या पता किस चीज़ पे focus करना है? वो बताने के लिए तो मैं course बनाया हूँ। मैं तो कभी नहीं कह रहा कि तुम, मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ हो जाएगा उससे जादू से, एक बात। दूसरी बात, आई डोंट थिंक बी योर सेल्फ इज गुड इनफ एडवाइस, बिकॉज जस्ट सम ऑफ यूर लाइक सम ऑफ यू एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ सम ऑफ अस अ लॉट मोस्ट मेजॉरिटी पीपल आर जस्ट नॉट वर्थ इट राइट। लाइक तुम यू कैन ऑल इमेजिन समबडी जिसको तुम कभी नहीं बोलोगे बी योर सेल्फ, क्योंकि या तो वो घटिया है या वो इनकॉम्पिटेंट है या वो अभी तक उसने अपनी स्ट्रेंथ डेवलप लाइक दे हैव नॉट बिकम देमसेल्व्स येट। So, पहले तो तुम बोलोगे बिकम योर सेल्फ, फिर बोलना बी योर सेल्फ राइट। यू ऑल्सो तो दिस बी योर बीइंग वर्सेस बिकमिंग इज अ ग्रैंड डिबेट एंड इट मेक्स नो सेंस टू से कि तुम ऑलरेडी अंदर से परफेक्ट हो, कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक ऑथेंटिक इंसान रेडी बैठा है, क्योंकि मैं तेरे से बोलूंगा ना नमन ऑथेंटिक हो जाके तो तू भी कर सकता है, समझ रहा है? क्या पता वो तेरा अंदर का ऑथेंटिक आदमी हो यार। So, for you, तो ये वो जो लेवल वन लेवल टू वाला सेटलमेंट भी था ना उस डिबेट में, वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो बहुत मेसी हो गई थी, करना पड़ा बस। हाँ, वो आई डू नॉट लुक बैक एट एनी ऑफ इट एंड कॉल इट अ प्रॉपर डिबेट एट ऑल राइट। व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट इन जनरल विद रिस्पेक्ट टू स्टफ लाइक दिस इज तुम्हारा पैर, तुम एक दिन में सिर्फ एक चीज नहीं कर सकते। आई सस्पेक्ट श्वेता इज रॉन्ग विद दिस फिलॉसफी अबाउट दैट टू, जहां पे एक ओवर इंसिस्टेंस है ऑन द वर्ड काम, बिकॉज काम ऑलमोस्ट आई हैव नेवर सीन इट डिफाइंड प्रॉपरली। तुम एक दिन में सिर्फ काम नहीं कर सकते, कितने भी घंटे कर लो, और उसमें कोई ग्लोरी नहीं है कि तुम एक नाउ यू आर अ स्लेव टू सम काइंड ऑफ अ कैपिटलिस्ट जॉब एंड दैट्स ऑल यू डू एंड यू डिराइव प्लेजर फ्रॉम दैट राइट। तुम काम को भी जब डिवाइड करोगे उसमें कुछ काम, अगर इफ यू आर फेयर टू श्वेताब्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड काम, इज स्किल बिल्डिंग, और वो स्किल बिल्डिंग कई तरीके की होती है, सॉफ्ट एंड हार्ड राइट। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्टेज वन ऑफ काम ऑफ बिल्डिंग योरसेल्फ राइट। तो पहले तो बिल्ड योरसेल्फ, एक्सप्लोर इनसाइड यू, एंड द वे यू एक्सप्लोर इनसाइड यू फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी इज फेस योर फियर्स, दैट इज गोइंग टू मेक यू स्ट्रांग ओवरऑल जनरली ठीक है। सो दैट वुड बी लेवल वन इफ एट ऑल, बट दैट उसके लिए अलग से लेवल टू नहीं आता जहां तुम लोगों से बात करना सीखो, वो साथ चलता है। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू, सो इफ यू नो हाउ टू टॉक टू अदर पीपल योर सेंस ऑफ सेल्फ गेट्स बेटर, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग मी। सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस, ये कोई सेपरेटेड प्रोसेसेस नहीं है कि ये यहां पे स्टेप वन खत्म हो गया। मैं सोचता था एक्चुअली ऐसे, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड आई हैव लिव्ड थ्रू दिस वेरी आई थिंक अप अंटिल 2019 और 2018 द वे आई यूज टू थिंक अबाउट लाइफ वॉज अभी मैं ना आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ पूरा और फिर मैं बाहर निकलूंगा, फिर आई एम गोइंग टू डू समथिंग अबाउट माई लाइफ। पहले मैं सिर्फ अपने पास्ट के ट्रॉमा रिजॉल्व कर लूँ, अपनी ये पैसिव स्किल्स बिल्ड कर लूँ, फिर मैं उसके बाद काम करूँगा। वो मेरी डेफिनेशन थी। आई रियलाइज ऐसा नहीं होता, वो दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। यू कीप डूइंग ऑल द बोर्ड सेटिंग
जिसको मैं चेस में कहता हूँ बोर्ड सेट करना, चालू करने से पहले का काम और चालू साथ साथ होता है गेम. तो ये दोनों चीजें दे वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर. एंड आई मीन आई नेवर अंडरस्टूड, लाइक मेरे को आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही फील्स दैट वे अबाउट कोर्सेज फॉर दैट मैटर, ऑल ऑफ दिस स्टफ इन जनरल. प्रॉबेबली उसका एक्सपीरियंस फ्रॉम पीपल हु वेल प्रॉबेबली ट्राई टू आस्क हिम टू मेक अ कोर्स एंड एवरीथिंग वॉज एक्सट्रीमली स्कैमी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द कोर्स मार्केट्स अ लिटिल लाइक बहुत स्कैम है कोर्सेज में. सो आई अंडरस्टैंड व्हाई ही माइट फील दैट फ्रॉम द आउटसाइड, कि मतलब तुम कोर्सेज में वैल्यू दे ही नहीं सकते. बट आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ वेरी क्विक जंप. तुम सोच के देखो, अगर मैं उसकी बुक पढ़ूँ ना, इफ आई रीड श्वेता बुक, आई कैन मेक दैट इन टू अ कोर्स, एंड एट दैट पॉइंट इज द कोर्स इनवैलिड बिकॉज इट्स फ्रॉम हिज बुक, राइट? इट बेसिकली तो वो वीडियो इन्फॉर्मेशन ही है ना, एज अपोज टू टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. सो यू कैन हैव गुड कोर्सेज एंड यू कैन हैव बैड कोर्सेज. हिज पोजिशन ओवरऑल ऑन कोर्सेज इज प्रॉबली वेरी एंटी, तो दैट इज वाई ही लुक्स एट इट स्केप्टिकली. अगर बेसिकली आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि पहले अपने आप को एक बेटर इंसान बनाओ. बिकॉज अगर तुम बोलोगे कि हाँ मैंने किससे बात करनी है, मैं किससे वाइब कर रहा हूँ, कुछ भी है, तो उसके लिए पहले अपने में कुछ होना चाहिए ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल कितना टाइम बैठता है तेरी, तेरा कॉन्सेप्ट लॉकडाउन है तो पूरा दिन. अरे लॉकडाउन तो एक वैसी, और उसमें भी तेरे घर वाले, तेरे आसपास के लोग तो है ही ना, तेरे सोशल मीडिया पे तो लोग हैं ही ना. मेरा पॉइंट ये है कि वो दो प्रोसेस अलग नहीं है, खुद को बेहतर बनाना और लोगों से कम्युनिकेट करना सीखना. वो जेन्युइनली एक साथ चलते हैं, वो एक ही चीज़ है, साइकिल में इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को. क्योंकि अगर मैं तेरे को बोलता कि तू गोकू की तरह वो टाइम चेंबर में जाके एक्सरसाइज कर, वहाँ तू अपने आप को बेहतर बना रहा है, अकेला है तू वहाँ पे, राइट? बट उसके बियॉन्ड तू जब बाहर निकलेगा, तेरे को बाकी लोगों के साथ ऑपरेट करना है. उसमें बहुत साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व है. उसके लिए तेरे को कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है कि वो एक अलग एक्टिविटी है, इट्स पार्ट ऑफ यू. द सोशल इज पर्सनल इन दैट सेंस. बट ऑफ कोर्स बिकम अ बेटर पर्सन, दैट मेक्स कॉन्वर्सेशंस इजियर. इफ यू आर वेरी स्किल्ड, सपोज मैं इलॉन मस्क हूं, मैं जो बोलूंगा होएगा यार, तब मेरे को सीखने की जरूरत ही नहीं कॉन्वर्सेशन. थोड़ी बहुत फिर भी, लाइक मार्क जकरबर्ग इन हिज फर्स्ट इंटरव्यू वाज वो शी वाज शिटिंग. And then he had to learn a little bit. But he does not have to be a Joe Rogan or a David Letterman. He does not have to be a night, wo kya naam hai uska, Tracy Noah, Trevor Noah, whatever. He doesn't have to be those guys. Kyunki uski skill bahut high hai. So of course, being a strong person, better person, totally influences how you talk to people. But how you talk to people also influences if you get better or worse. So they work together. Okay. So as I said, mere do questions hai. तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक मिनट रुको, उसे खत्म करने दो. हाँ बोलो. तो एक क्वेश्चन हो गया. तो दूसरा क्वेश्चन बेसिकली मेरा इससे रिलेटेड है पर नहीं भी है. इट्स बेसिकली अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनल साइड कि जैसे आप अपनी पॉडकास्ट चलाते हो, तो आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ पॉडकास्ट. लाइक मेरी, आई एम ऑन द स्पीकर ओवर देयर, आई एम इन द प्रोडक्शन टीम, आई एम नॉट डूइंग प्रमोशन ओवर हियर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट्स नेम एंड एवरीथिंग. So, मैं बस ये बताता हूँ कि एक पॉडकास्ट में काम करते रहे, तो उसके अंदर जैसे कि ना हमें एक दिक्कत आती है कि एक साइड पे वी वांट टू बी आवरसेल्फ, कि लाइक हम जो हम हैं वो बताएं, और फिर एक जगह पे वो भी आता है कि लाइक मे बी वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इनफ कि जो हम अपने आप को ये बताएं. जैसे आपने कहा था कि लाइक बी योरसेल्फ नॉट अ परफेक्ट एडवाइस, तो अ पर्सन डूइंग अ पॉडकास्ट और उसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि है मतलब इट्स काइंड ऑफ फनी एलिमेंट, वो एक दो मिनट का एलिमेंट होता है, एंड उस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल भी नहीं है जो हमारा स्पीकर है. तो हम उसको लिटरली जोक्स लिख के देते हैं लाइन बाय लाइन कि तूने ये जोक बोलने हैं, तूने ऐसा करना है, लाइक 2 seconds पॉज एवरीथिंग. तो हम ऐसे करते हैं. तो अब ये चीज काम कर रही है, बट स्टिल हमें फिर ये फील होता है कि उस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना डेवलप नहीं हो रहा, या फिर एज इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही अपनी. तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे कि मेरे को तो क्वेश्चन कंसाइज करके बता. क्वेश्चन ये तो काफी लंबा चौड़ा खिंच गया, मेरा तो ट्रेन ऑफ थॉट ही लूज हो गया. तू कह रहा है कि एक पॉडकास्ट में काम करता है और क्या, देयर आर टू चॉइसेस क्या है, या तो स्किल बेटर करें. लाइक बेसिकली एक तो होता है कि बी योरसेल्फ, कि तुम जो हो वो बताओ. कि हम जैसे मैं थोड़ा अभी फॉर एग्जांपल मैं बहुत धीरे लगा बात कर रहा हूं, मैं धीरे-धीरे बात कर रहा हूं. और एक फिर पॉडकास्ट के लिए यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू बी लाइक एवरीथिंग एंड ऑल शो शा एवरीथिंग. तो फिर वो बंदा जो है कि इस काइंड ऑफ एन
इंट्रोवर्ट लाइक आई एम नॉट गोना से इंट्रोवर्ट ही इज लाइक कि बात बहुत ही प्लेनली करेगा वो लाइक मैं आपको इंस्टाग्राम पे उसका लिंक भेज दूंगा आप देख लेना कैसे करता है वो बात तो वो बिल्कुल ऐसे बात करता है वो प्लेनली और हम कहते हैं कि भैया तो स्टोरी टेलिंग कर रहा है तो स्टोरी टेलिंग के लिए एक्टिव थोड़ा इमोशन डाल कि थोड़ा अच्छे से कर कि पूरा अच्छे से बात करे तू कोई जोक सुना रहे तो पूरा अच्छे से करे तो अगर आप उस बंदे को एडवाइस दोगे बिकॉज ये इसकी यूट्यूब वीडियो चल रही है तो आई एम गोना सेंड हिम दिस लिंक तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे कि भाई तू रियल लाइफ में ऐसे क्यों बात कर रहा है तू वैसे ही बात कर जैसे कर सकता है बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ यू अब तो तेरे अंदर वो है भी प्रोग्रामिंग ना तूने सीख लिया अच्छे से बात करना एक्सप्रेसिव होके फिर क्यों कर रहा है तू ऐसे मोनोटोन बात अपनी जिंदगी सुधार ना सबसे फनी बात लगती है मेरे को ये मतलब कि मैं एक यूट्यूबर हूं मैंने कैमरे पे एक ऐसी पर्सनैलिटी बना ली है जो एक्चुअली लाइकेबल है ठीक है अभी अब तुमने वो पर्सनैलिटी बना ली है तो या तो उसको रियल लाइफ में भी यूज कर लो एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाओ जमाने के लिए और अगर तुम वो नहीं कर सकते तो यहां पे भी ये नाटक करके क्या फायदा सर ये क्वेश्चन था मेरा किले के नाटक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरा पॉइंट ये अगर कर ही रहे हो तो कमिट करो ना फिर तो इवॉल्व करो ना उस डायरेक्शन में और अगर कमिट नहीं कर रहे हो तो कर भी क्यों रहे हो क्यों क्योंकि मेरे को लोगों से टेंशन वैलिडेशन चाहिए क्योंकि मेरे को लोगों को एक झूठा परसोना दिखा के पैसे कमाने हैं लाइक मेरे लिए वो एथिकली सेंस नहीं बनाता बात और अगर जेन्युइनली वो इतना अच्छा परसोना है तो उसके अच्छे पार्ट्स अपनी एवरीडे लाइफ में बोरो कर लेना फिर तो यूज कर ले फिर तो कमिट कर ले फिर तो गो ऑल इन समथिंग्स वर्क्ड फॉर यू वंडरफुल लोग पूरी जिंदगी एक पर्सनालिटी में बिता देते हैं ब्रो तेरे पास दो है और दूसरी बेहतर है तो तू पहली वाली को क्यों घसीट रहा है ओके राइट मैं यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पर काफी अच्छा मतलब मैं उसको आई एम पुशिंग इट टू अब्सर्डिटी या कि या तो तेरे को इतना प्रेम है इस पर्सनालिटी से जो तू कैमरे पे लेके घूम रहा है तो वो तो बन जा पर एक इंसान हो ना पर पता है देख मैं तेरे को बताता हूं ये मेरी एथिकल गाइडलाइन है ये ऐसे मैं सोचता हूँ दुनिया ऐसे नहीं सोचती मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी पर्सनालिटी फ्रैक्चर करके इनफैक्ट बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं जैसे आई वॉज स्पीकिंग टू वरुण वंस वरुण माया एंड वरुण वॉज टेलिंग मी कहता है ब्रो जब मेरे को कोई डिजिटल माया या इसके दो चार और एवटार है लाइटनिंग एम्परर पे गाली देता है मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं एंड आई वॉज लाइक व्हाट एन इंटरेस्टिंग वे मेरे को अगर कोई प्रखर के प्रवचन पे भी गाली देता है प्रखर गुप्ता को घर पे बुरा लगता है क्योंकि वो एक ही इंसान है कंसिस्टेंटली समझ रहा है तो वो मेरी गाइडलाइंस है मैं दुनिया को वो गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है मैं तो कह रहा हूँ ऑप्टिमाइज कर ले अपने लिए सिचुएशन जो भी तेरी गाइडलाइंस है ये हाफ वे सिचुएशन में क्यों फंसा हुआ है एंड वाई आर यू स्टिल बोरिंग इफ यू कैन बी इंटरेस्टिंग राइट थैंक यू सर एंड आल्सो लाइक वेरी पॉडकास्ट भैया मनीष बोल रहा हूं मनीष रुक जा कोई बुलाऊंगा तेरे को बुलाऊंगा मनीष आ गया चैट मनीष आ गया सर सुन रहे हो हां बोल मैं खत्म कर सर बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने पॉडकास्ट शुरू करी तो उसके लिए यू वर इंस्पिरेशन जैसे मैंने पीजी रेडियो देखा उसके मैंने 28 तक एपिसोड देखे हैं अभी देख रहा हूँ उसको तो क्या कर रहा है देख रहा हूँ अभी तो देख रहा हूँ इसको निकालो भाई इसने 28 एपिसोड ही देखे हैं बस इसको भगाओ यहाँ से ये क्या कर रहा है भाई तेरे को बताया नहीं था पीछे स्क्रिप्ट क्या दी थी 92 एपिसोड बोलना है 92 तू 28 ही बोल रहा है यहाँ पे इतना टाइम नहीं है सर आई एम बीइंग ऑनेस्ट मैं 28 तो देखे हैं लाइक कुछ कुछ मैंने एपिसोड स्टार्ट करे थे उसके अंदर मेरे बीच में इंटरेस्ट छूट गया और कुछ मेरे मुझे बहुत अच्छे लगे फॉर एग्जांपल मुझे एक एपिसोड था एपिसोड नंबर 10 मुझे वो इतना पसंद है मुझे अच्छे से याद है किसके साथ मैं वो आपका अपना ही है उसके अंदर आपने उसके बारे में बात करी है वो फाइंडिंग हैप्पीनेस वो अप्रोचिंग हैप्पीनेस अप्रोचिंग हैप्पीनेस एंड अप्रोचिंग मीनिंग ऑडियो में अवेलेबल है बुन फाड़ वो इनफैक्ट वो टेल एंड है मेरे हैप्पीनेस मैनिफेस्टो कोर्स का भी बहुत बढ़िया कोर्स है वो कोर्स कर रहा है बहुत बढ़िया एपिसोड है बहुत बढ़िया भैया मैं तो यहीं पे था आपने कह दिया चलो भगाओ इसको मैं पीछे खड़ा रह गया अरे अच्छा मेरे चक्कर में हाँ यार तूने तो पूरा दिल दिया मैं 1% भी कमी नहीं छोड़ी तूने
हाँ चल हाँ पूछ लूँ क्या भैया? रुक जा, पहले मेरे को तेरी शक्ल देखनी है। हाँ रुक, तेरे को मैं पहले तेरे को ढूंढने दे। मनीष, शक्ल मैं मनीष अरे मनीष मैं कौन ऊपर है छत पे खड़ा हूँ, यहाँ पे अंधेरा अच्छा, दे रहा अच्छा है। चल तू छत से बोल रहा है मनीष, तो तू बोल ले। हाँ बता क्या बात है। हाँ, तो मैं ऐसे कहता था 12th के बाद फर्स्ट ईयर में आया, तो फर्स्ट ईयर में मैं बैड हैबिट्स में चला गया था, तो सर्कल बन नहीं पाया। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, तो सेकंड ईयर घर पे, फिर कोरोना आ गया, तो सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो गया। हाँ तो अब जो कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि आप हाँ कोशिश करो और हारो, एक दो से सीखो, तो मेरे को तो मिल ही नहीं रहा वो सर्कल हाँ मनीष ही ख़त्म हो ब्रो, गया। तू एक बात बता, तू कहाँ से? तू हरियाणा में कहीं से? एक सेकंड एक सेकंड, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे मैं यहाँ गंगानगर से हूँ। कमला नगर से है? हाँ, मतलब यही दिल्ली, नहीं, ये राजस्थान, ये राजस्थान में पंजाब के गंगानगर पास है कोई में। जगह? नहीं, गंगा गंगानगर, गंगानगर राजस्थान। अरे वाह, हाँ, अच्छा सॉलिड। अबोहर के पास में। अच्छा, क्योंकि मेरे को तेरी जो बातें थी ना हाँ बड़ी तो ऐसे अपनी यहाँ हरियाणा की सी लगी, मैंने बोला तू हरियाणा से है। अच्छा हाँ अरे मतलब मेरे मेरे पूर्वज हरियाणा से थे, तो हाँ बोलने में पूर्वज फर्क आ हरियाणा से जाता है, मेरे था। को पता है ओ तेरे। भाई ओपी, हाँ, हिसार हिसार। हिसार, नाइस। हाँ हिसार, क्रेजी। हाँ भाई, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सब तो खत्म होने वाला है। मैं तो पता है वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट अब तो मतलब ऐसा लगता है मेरे को कोरोना खत्म हो गया है। फ्रैंकली 2-4 महीने की बात है, अब जब कोरोना खत्म होगा ना तो जानवर की तरफ जाइयो, समझ रहा है? बात करने के लिए, बात करने को लेकर सबसे बात कर ले एक ही दिन में, एक मॉल में घुस बोल आज सारी दुकानों में जाके बात कराऊंगा, समझ रहा है मेरी बात को? देख मैं कोरोना, कोरोना का तो क्या ही करे ना, वो खत्म हो जाएगा। बट जो तेरी ये जो प्रॉब्लम है ना कि मैं बॉयज स्कूल में था, मैं लड़कियों से बात कैसे करूँगी, तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेजोरिटी बॉयज की प्रॉब्लम है। तुमने करे ही नहीं कभी बात लड़कियों से। तू छोड़ भाई, मैं तो कोएड स्कूल में था तो भी मेरे को लड़कियों से बात करना नहीं आता था स्कूल खत्म करते हुए, क्योंकि मैंने करी लॉन्डो से बात थी पूरी जिंदगी। लास्ट के 1-2 साल में मैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा सीख लिया था, बट मेरे से होती नहीं थी। सब मेरे को कहते थे ये पागल है। मैं तेरे को बताऊं, जब मैं बाद में, जब मेरे को थोड़ा मैं नॉर्मल हो गया 2-4 साल बाद स्कूल के, और मैं उन्हीं लड़कियों से मिला जो मेरी क्लासमेट्स होती थी, वो कहती थी हमें लगता था तू एरोगेंट है। मैं एरोगेंट नहीं था, मेरे को सिर्फ उल्टी बात करनी ही आती थी, जैसे लड़के बात करते हैं, मैं उल्टी बात बोल देता था उन सबको, तो वो लड़कियां वो पिस ऑफ हो जाती थी, लड़के पिस ऑफ नहीं होते थे, लड़के भी हो जाते थे बट कुछ नहीं होते थे, वो दोस्त बन जाते थे। तो वो बस सिचुएशन ऐसी थी कि तुम्हें नहीं करनी आती बात। कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, अब सिर्फ प्रैक्टिस और रेपिटेशन मारनी है। तेरे पास पूरा फॉर्मूला है कोर्स में, पूरा फॉर्मूला A to Z लेड आउट, धीमे धीमे फॉलो कर, अपना स्टाइल मत जाने दियो। क्योंकि जो तेरा ये मतलब जितना मैंने अभी सेंस किया है इतनी सी कॉन्वर्सेशन में, तेरा ना एक बड़ा मतलब हैप्पी गो लकी स्टाइल है, तू टूटा नहीं पड़ा है इस बात से, ठीक है? तू हंस रहा था बोलते हुए एक पॉइंट पे, थोड़ा सा उसको कैरी कर, तू तू जैसा है तू वैसा रहे, समझ रहा है? अंदर से डीपली उसको बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ उसमें जो दूसरों से बात करने में एक अलग तहजीब होती है, एक अलग जायका होता है लड़कियों से बात करने का, वो धीमे धीमे करके तू सीख जाएगा। एंड फॉलो द सेम मेट्रिक्स जो मैंने उसमें कोर्स में पूरे दे रखे हैं, कि कैसे टॉपिक्स लेआउट करवाने हैं, कैसे शुरू में कॉन्वर्सेशन करनी है, कैसे क्लोज करना है, एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें सिंपल। वो अभी अभी 2-4 महीने की बात है ब्रो, दुनिया खुलेगी, गो इनसेनली इनटू दिस, आई विल टॉक टू पीपल, आई विल एम्बैरेस माय सेल्फ, तेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा, पता है? फ्रेंकली शुरू में थोड़ा डर लगेगा, देख एक मैं बात समझा देता हूँ और सुन लो सब लोग। बेसिकली क्या है यार, ये जो सोशल फियर है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल, वो दिमाग में क्या चल रहा है जिसको मैंने कोर्स पे पूरा ढंग से समझाया है, और एक फिजियोलॉजिकल, वो ये है कि दिल धड़कने लग गया, पसीने आने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए, दिमाग काम करना बंद कर गया, ऐसा लग रहा है खून कहीं इधर उधर भाग रहा है। और वो वाला जो पार्ट है ना, जो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, इट इज वेरी मच लाइक जब तुम बंजी जंप करने के लिए खड़े होते हो, एंड पे तुम नीचे देखते हो, और चाहे तुमने कितना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा हो, बॉडी कहती है मरेगा 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 मरेगा, है ना? वो जो पार्ट है ना ब्रो, वो सिर्फ कोशिश कर करके जाएगा, तुम यूज टू हो जाओगे फिर। ये एक सवाल पूछ रहा बस, हाँ, वो थोड़ा मेन था, एक मिनट रुक जा, जैसे मतलब एक मिनट रुक जा बस, तो ये बस एक्सप्लेनेशन खत्म कर, यही हो रहा है मेरे साथ अभी। तो वो वाला पार्ट है ना, जो ये धक 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 वाला, ये जाएगा हाँ जी 15-20 रेपिटेशंस लेके, फिर तू बोलेगा अबे फिर चालू हो गए तुम धक धक करना, चलो कोई नहीं। बट वो 20 बार कर लेना, 25 बार, 30 बार कर लेना बड़ा जरूरी है, समझ गया? रुकियो मत, हाँ जी, क्योंकि ये जो डर है ना बड़ा पैरालाइजिंग हो जाता है, हाँ, बहुतों के लिए हो जाता है। तू रुकियो मत, तू बोलियो मैं करता रहूंगा, मैंने अपने फोन में नंबर लिख लिया 100 एक नोट में,
मेरे को 100 लोगों से बात करनी है और 100 गलतियां करनी है इनसे, उसके बाद मैं अपने आप को जज करूंगा, उससे पहले जज ही नहीं करूंगा। अच्छा बता आगे बोल। यही क्वेश्चन था मेरा कि मैं किसी को मतलब ऐसे देखता हूँ या ट्यूशन में किसी से मिलता हूँ ना, तो मैं कन्वर्सेशन बना लेता हूँ दिमाग में पूरी अच्छे तरीके से, और वो जिस हिसाब से कहते ना कि लड़कियों से बात करने में एक अलग तहजीब इस्तेमाल होती है, तो मैं वो तहजीब भी बना लेता हूँ। पर मेरा ऐसा लगता है कि मैं ना पैरालाइज हो गया, मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा। तो अब तू बस दिमाग में बनानी बंद कर दे वो बात, वो जो अब जितनी बार तू दिमाग में वो बात बनाएगा ना, वो तेरे अगेंस्ट काम करेगी। कन्वर्सेशन बनाना, हाँ 100%। जैसे पता है क्या होता है, अब जैसे मान ले मैं कभी किसी, इफ आई स्टार्ट डेटिंग अ गर्ल, किसी लड़की के साथ मेरा थोड़ा बहुत अगर मान ले रोमांटिक सीन है, मैं अपने दिमाग में ना सोचने नहीं देता अपने आप को उसके बारे में, क्योंकि वो सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेगा बाद में चीजें। क्योंकि मैं अपनी साइड से, हम दोनों ने यहां शुरू करा, मैंने सोच सोच के अपना पारा बढ़ा लिया यहां तक। अब मैं उसके पास गया, वो यहां है, मैं उसको ढूंढ ही रहा हूं, कंफ्यूजन हो रही है पूरी दुनिया में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई है, वो करना ही नहीं, उस ट्रैप में फंसना ही नहीं। तो ये जो तू दिमाग में बना रहा ना, इसको अब जबान पे ला, छूटते ही बात कर ले, खत्म, कर ले गलती दो चार बार, ठीक है, फिर तेरी बॉडी अपने आप अडैप्ट मार जाएगी उस चीज से। ठीक रखर भैया, थैंक यू। मैं म्यूट कर दिया भाई, क्या बंदे। अबे भाई तुम्हारा अनम्यूट कैसे है? हाँ हेलो, कौन, नाम बताओ। हर्षदीप सिंह, बहुत जल्दी तुम बोले, तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन, बताओ। यस सर। सर मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपने हमेशा अपने वीडियोस में बोलते हो कि मैं स्क्रिप्ट यूज नहीं करता। हाँ, बोलते वक्त। हाँ, आप बोलते हो कि रियल टाइम में आप बात करते हो। सर वो कैसे इंप्रूव करें? मेरी बहुत अनफॉर्चुनेटली मेरी वो इतनी अच्छी स्किल नहीं है, बट रियल टाइम में बात करना, स्क्रिप्ट के ऊपर मैं डिपेंडेंट रहता हूँ। ब्रो वो इट इज, देख पहले तो तुम्हारे पास एक बात होनी चाहिए जो करने लायक है, ठीक है? ओके सर। और उस बात को तुम्हें ढंग से जानना बहुत जरूरी है, यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो तुम्हारे पास उसके आसपास के पीसेज होने बहुत ज़रूरी हैं। फॉर इंस्टेंस अभी राहुल आया था जो मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग की बात कर रहा था, उसको मैं बोलूँगा राहुल मेरे को क्रोकोडाइल्स के बारे में कुछ बता, उसको स्क्रिप्ट चाहिए। मैं उसे बोलूँगा भाई मैग्नस कार्लसन का गेम डिस्कस करते हैं, उसको स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास पहली बात एक बात कहने को है और उसको वो बात ढंग से पता है। फिर जो तीसरी चीज़ है ना वो ये है कि यू मस्ट बी केपेबल ऑफ पुशिंग योर सेल्फ इन द राइट डायरेक्शन टू थिंक। सो व्हेन से यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई हैव टू थिंक हाउ आई डू इट, राइट? एंड सो आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू वंडर हाउ व्हेन यू आस्क मी अ क्वेश्चन, मेरे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, और फिर उन ख्यालों को वर्ड्स में बता पाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चार स्टेप्स हैं। पहले तुम्हारे पास एक बात होनी चाहिए, दूसरा तुम्हारे पास उस बात को करने के सारे पीसेज होने चाहिए, यस सर, ठीक है? तीसरा तुम्हारे पास उस बात को किस डायरेक्शन में ले जाना है वो सोचना बहुत ज़रूरी है, और चौथा उनको फिर वर्ड्स में डालना बहुत ज़रूरी है, उन ख्यालों को, उन थॉट्स को। ये चार पॉइंट कहीं लिख लो अगर तुम्हें ये वाली स्किल फॉलो करनी है। तो पहले तो इन सब का जो सीधा तरीका है ना दोस्त, दैट हैज़ टू डू विद रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, लिसनिंग। ओके। क्योंकि तुम अगर सुनोगे तो बात करने को कुछ होगी, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें उस बात के बारे में सब पता होगा, फिर तुम्हें किस डायरेक्शन में सोचना है ये तुम्हें पता होगा कि बाकी लोगों ने किस डायरेक्शन में अपनी बातें सोची हैं। It's all about the practice, मतलब speed match होनी चाहिए। Of course, bro. And फिर finally उसको words में कैसे put करना है वो तुम writing से और speaking से सीखोगे। And okay. Sir, एक और चीज़ है वैसे। श्वेताप सर ने वो एक post डाली थी वैसे Instagram पे। And उन्होंने बोला था कि हम इस चीज़ को कैसे practice कर सकते हैं। उन्होंने actually बोला था कि writing के through तुम कर सकते हो, कि तुम कितनी तेज राइटिंग में एक्सप्रेस करते हो चीजों को, अपने आइडियाज को। समझा नहीं मैं, क्या बोला था उसने? उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें एक्सप्रेशन वाली स्किल इंप्रूव करनी है कि मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्रेस कैसे करना है, राइटिंग बेस्ट। राइटिंग के थ्रू तुम करो, कितनी तेजी से तुम राइटिंग में तुम कितनी तेजी से लिख सकते हो। तेजी छोड़ो यार, क्या तेजी का लोड लेना है, पहले एक बात तो ऐसी प्रोड्यूस करो जो बोलने लायक है। सर मेरे सर यही प्रॉब्लम है कि हाँ आइडियाज होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन वो बोला नहीं जाता। इवन मेरे कुछ दोस्तों के साथ डिबेट्स होती है, पर मैं ओके मैं कॉन्फिडेंट तो होता हूँ, पर वो आइडियाज आते नहीं है, मतलब वो परफेक्ट आइडियाज एट परफेक्ट तो होंगे भी नहीं आइडियाज ब्रो।
परफेक्ट तो होंगे भी नहीं, इंक्रीमेंटली सोच कि मैं तेरी, जैसे अभी तूने मेरे को श्वेताब किया एक थॉट बताया, मैंने उस पर इंक्रीमेंटली सोचा, राइटिंग एंड एडिटिंग, ट्रस्ट मी एडिटिंग इज़ प्रॉबेबली 80% ऑफ थिंकिंग, कि इसमें से क्या कचरा फेंकना है और इस बात को कैसे शार्पली बोलना है, दैट इज़ व्हेन यू आर ट्रूली लर्निंग हाउ टू थिंक व्हेन यू आर एडिटिंग योर पीसेस. सो दैट्स वन, एंड दैट इज़ हाउ यू थिंक, यू नेवर हैव परफेक्ट थिंग्स टू से, यू हैव इंक्रीमेंटल थिंग्स टू ऐड, तुम ऐड करते हो. एक टेक्निक होती है इम्प्रोव में, यस एंड वाली, ठीक है, जब भी वेन एवर यू आर रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से जस्ट से यस एंड देन गो ऑन टू से व्हाट यू हैव टू से. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस कोई भी तू बात बोलेगा, जैसे तूने बोला श्वेताब सर ने ये कहा था, मैं बोलूंगा यस एंड ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक दिस, यस एंड ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट्स योर ब्रेन टू से द नेक्स्ट थिंग. सो यू एनी वे टॉक इन इंक्रीमेंट्स, एक के ऊपर एक बात बिल्ड करते हो, जैसे तू समझ रहा जेंगा पीसेज रख रहे हो, राइट? तो टॉकिंग लिसनिंग राइटिंग रीडिंग इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प योर एक्सप्रेशन ओवरऑल. राइटिंग इज वेन यू really putting thought into words you write, especially if you're concentrated writing. Precise thoughts. Haan, because but जब तुम लिखने बैठते हो ना, तब actual जो दर्द हो रहा है ना, वो तुम्हारा दिमाग अंदर घसीट रहा है उन pieces को fit करने के लिए अपने दिमाग में, अपने उसमें, तो वो actual effort दिखता है वहाँ पे. It's very interesting like that when you're writing. And then editing is when you are thinking about what you thought. Was it even worth? And इसमें क्या parts कटेंगे? So, speaking का प्रॉब्लम ये, वो अनएडिटेबल है ना, मैं उसको देख के वापस एडिट नहीं कर सकता, मैं एनालाइज नहीं कर सकता इसमें क्या सही था क्या गलत था, मेरे को दोबारा अपने आप को पूरा सुनना पड़ेगा. राइटिंग इज जस्ट इजियर. आप इतनी अच्छे से आर्टिकुलेट कैसे करते हो? मेरी तो बहुत प्रैक्टिस है ब्रो, बहुत, मतलब आई हैव डन माय 20,000 आवर्स इस स्किल के साथ, तुम सोच भी नहीं सकते भाई. तुम्हें मैं बताऊंगा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर इंस्टेंस ये आया कहाँ कहाँ से. मेरा एक रूममेट होता था जिससे मैं विगरेसली डिबेट करता था, और मैं वो डिबेट्स यूजुअली हारता था शुरू शुरू में, इनफैक्ट अभी भी शायद मैं करूँगा तो, क्योंकि ही वॉज फिनोमिनल, ही वॉज सो गुड, राइट? सो आई टू कॉन्स्टेंटली बिकम शार्पर. सेकेंड, मैं लोगों की अटेंशन उनसे छीन के अपने पास रखता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जब मैं कॉन्वर्सेशन क्लब करता था अपने गार्डन में, यहाँ पे उनका जाने का मन होता था, मैं देखता था कितनी देर उनको यहाँ टिका के रख सकता हूँ, ठीक है. तीसरा, मैं रैंडम फ़ोन कॉल्स करके अपने दोस्तों से कई बार 15-15, 20-20 मिनट बकचोदी करता हूँ, सो हैव टू कीप दैट अटेंशन, आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट, राइट? चौथा, आई हैव हैड रिलेशनशिप्स वेयर आई फॉट एवरी डे 5 times. एंड वो चीज़ जिस तरीके से तुम्हें अपना एक एक वर्ड पिक करना सिखाती है ना भाई, जब तुम लड़ाई नेगोशिएट कर रहे होते हो, मैं बता भी नहीं सकता ब्रो, मैं बता भी नहीं सकता, मैं इतना परेशान रह चुका हूँ जिंदगी में इस चीज़ से कि भाई तुम कहते हो प्रखर तू अच्छा आर्टिकुलेट करता है, मैंने एड़ी टेढ़ी का जोर लगा दिया भाई, तो वो भी बात नहीं समझ आ रही, समझ रहा है? वो फ्रस्ट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड, वेर यूर लाइक एक सेकेंड मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह, मैं अपनी पॉडकास्टिंग अपने रिलेशनशिप से सीखा हूँ, क्योंकि भाई एक 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 वर्ड इतना केयरफुली पिक करना पड़ता है, स्पेशली इफ यू केयर अबाउट अ सर्कमस्टेंस एंड यू डोंट वांट टू गो साउथ एंड यू आर लीडिंग द होल लाइक सिचुएशन, यू आर लाइक, तो एग्जैक्टली देयर. या फिर जब मेरे को, और तुम देखोगे इफ यू वांट टू सी मी लाइक थिंक अबाउट व्हाट आई एम रियली सेइंग, पीजी रेडियो में कई बार होगा वो, वेर आई एम लाइक आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर दैट वर्ड, वेर आई एम ट्राइंग टू फिगर दैट वर्ड आउट. और मैंने ना शुरू से ये इंसिस्टेंस रखी अपने साथ, शुरू से, सिंस द वेरी गेट, मेरा ये इंसिस्टेंस थी कि मैं कभी, मैं स्कूल में भी नहीं रट पाता था, आई जस्ट नेवर बीन दैट गाय, तो आई वाज लाइक ऑलवेज गो इन ब्लाइंड एंड देन फिगर योर वे आउट. सो इनिशियली इट वाज वेरी टफ, वेरी कैट, मतलब फर्स्ट फ्यू सेमेस्टर्स एट कोलंबिया आई डिडंट से एनीथिंग एट ऑल, क्लासेस में बैठ के पूरी क्लास निकल गई, पूरा डिस्कशन सेक्शन निकल गया 4 महीने का, प्रखर ने मुंह ही नहीं खोला, तुम सोच सकते हो. फिर हालत ये हो गई थी भाई कि मैं कहीं पे भी बैठ के कितनी भी देर लोगों को एंटरटेन कर सकता, स्लोली. सर आपसे एक और सवाल, पूछो. सर सर मैं नहीं जानता कि आप इस चीज पे बिलीव करते हो कि नहीं करते, आई डोंट नो, बट मैंने आपके एक बार वीडियो पे देखा था कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट एडीएचडी, यू बिलीव इन दैट? डू आई बिलीव इन एडीएचडी?
मतलब वो चीज आपको फेल नहीं है. एडीएचडी, एडीएचडी इज अ प्रॉपर डायग्नोसिस. श्योर ब्रो. हां एडीएचडी देख मतलब मैं ये बोलूंगा आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर. आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर. यू आर एडीएचडी? यस ब्रो. आई मेट सम इनक्रेडिबल पीपल हु हैव एडीएचडी ब्रो. मैंने मतलब मेरे को भी स्काइप का भी लगता है मेरे को एडीएचडी है. सच में मैं मजाक नहीं कर रहा. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हाँ मैं क्योंकि मैंने देखे हैं ना एडीएचडी वाले लोग. मैं एग्जैक्टली वो बंदा हूँ ब्रो. आधे घंटे मैक्सिमम 45 मिनट अटेंशन दे पाता हूँ किसी चीज़ को. बट एडीएचडी वाले लोग और भी कम दे पाते हैं अपेरेंटली. तो मेरे कुछ बहुत बेहतरीन दोस्त मैसिव एडीएचडी फ्रीक्स थे. और ब्रो लाइक इट्स नॉट एन ऑब्स्टिकल ऑनेस्टली. Like it is some sort of an obstacle, but it can be overcome. In fact, used as your strength. Like the greatest conversationalist my age I've ever known had ADHD. और वो constantly Adderall पे होता था bro. तो वो अलग सा ही jittery होता था एक. Adderall या जो भी. He was just next level. Like next level. उसका charm से ऊपर charm मैंने देखा नहीं है bro. Random conversation में. मतलब मैं फट के side में खड़ा रहता था कि गुरुजी आप ये कर कैसे रहे हो. कहाँ से बात कहाँ ले जाता था वो. वो एक डायरेक्शन में बात नहीं कर रहा होगा ना. लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पकड़ रहा है. श्योर. और वो बहुत सही से पकड़ रहा था ब्रो. बहुत सही से पकड़ता था वो. आई थिंक द कनेक्शंस अच्छे होंगे. हां बहुत सही. सर मेरी हां सर मेरी सर एक ही प्रॉब्लम है सर. फोकस नहीं हो पाता बहुत अच्छे से. हां ब्रो. तो देख देख अब इसमें ना कई चीजें हैं ब्रो. एंड आई डोंट वांट टू अज्यूम एंड द मोटिवेशन लेवल्स एंड द मोटिवेशन लेवल्स भी कम होते हैं वैसे क्योंकि यहां पे डोपामाइन. हां मतलब यहां पे ये है कि डोपामाइन तुम्हारा नॉर्मल लोगों से कम होता है. सो in order to sustain that tum you know chalna chahte ho, tum daudna chahte ho, restless hona chahte ho. I know usko hota kya endorphins release honge tumhare. To wo us picture ka bani hai. Wo kaun si picture hai wo? Main udna chahta hu, main daudna chahta hu, main bhagna chahta hu, bas main rukna nahi chahta. Wo kaun si movie hai? Ae ye jawani hai diwani. Ha bro dekh main is cheez ko kitna serious hai tumhari ADHD. Sir I'm very addicted to music, listening to music. So am I bro. Like how addicted are you to listening to music? Even मतलब मुझे इतना सारा चाहिए, इतना सारा डोपामाइन चाहिए कि हाँ चार चार घंटे सुनते रहो. मतलब that is a problem. Background में तो मेरे पास भी चलता रहता है. मतलब हम meeting ले रहे होंगे और पीछे music चल रहा होगा और proper ऐसे house vibes. ठीक है. कुछ भी हो रहा होगा मेरी life में, मैं इतना खुश होता हूँ कि मेरे को गाड़ी drive करने को मिल रहा है दो घंटे के लिए क्योंकि music चल रहा है पीछे. So I like it too. तू मेरे को convince कर रहा है कि मेरे को ADHD है यहाँ पे आके. ये तेरी चाल है सर. मेरे को है सर. मैं सेकंड क्लास में फेल हो गया था इसकी वजह से. ब्रो तू रियल चैंपियन है ब्रो. तू रियल चैंपियन है. मैं समझ रहा हूँ यार. अबे ये सब यूज लाइक इवन जब पैरिस जमीन पर मूवी देखी थी तब भी उसमें मैं रोया ब्रो. मैं भी रोया था ब्रो. मैं मजाक नहीं कर रहा. मैं भी रोया था. ये तो मैंने रॉयल रील पे भी बोला है ब्रो. मैं भी रोया था ब्रो. हम दोनों सेम इंसान है. मैं 15 साल का था. 2015 की बात है तब मैंने देखी थी. अच्छा फिर तूने बहुत लेट देखी. मैंने 2008 में देखी थी. मैं उस टाइम 10-11 साल का था. I'm 20 years old now. I'm 25. Well, bro, मतलब देख, I don't want to assume the place of a therapist. और मैं I don't want to like counsel you on that. But what I'll tell you overall is, you can use it as a strength. Like you can learn how to optimize that. Stylistic, जैसे for me, I'm telling you, मेरे लिए यार there was this very interesting offer that came the other day. मैं किसको बता रहा था? शायद अपनी pro league को बता रहा था. बहुत interesting एक offer आया और उन लोगों ने मेरे से सिर्फ एक शर्त बोली कि आपको वहाँ पे 9 घंटा बैठना है. और मैंने उस बंदे को लिटरली बोला ब्रो मैं बैठ सकता, मैं बैठ जाता, मैं बैठ ही नहीं सकता. तो चाहे कुछ भी अपॉर्चुनिटी है बाय. मेरे से होता ही नहीं है. ठीक है मेरे को पता है मेरे को हर 2-2.5 घंटे में ब्रेक चाहिए और उस ब्रेक में मेरे को बकर कुछ करना है. और 2-2.5 घंटे भी बहुत मुश्किल से मैं बैठ पाता हूँ एक जगह पे. मेरा सारा काम दो पैर पे चलते हुए होता है. तो मैं लाइक आई अंडरस्टैंड आई हैव अ वेरी फ्लिकरिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी. सो आई ऑप्टिमाइज विद इट ब्रो. आई एम लाइक हाउ डू आई यूज इट फॉर द बेस्ट. दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट इट ट्रूली. समझ रहा है? तो बाकी मैं आई डोंट वांट टू बिकॉज उसके लिए बहुत डिटेल चाहिए होंगी तेरा एडीएचडी कैसे मैनिफेस्ट करता है एटसेट्रा. एंड प्रोबेबली सीकिंग प्रोफेशनल काउंसिल वुड हेल्प विद दैट. मे बी इवन गेटिंग ऑन रिटालिन और एडरॉल माइट हेल्प विद दैट. है तू आर यू ऑन प्रिस्क्रिप्शन? यस सर. एडरॉल ले रहा है? सर मैं कोई मतलब मैं मेडिकेशन ले रहा हूं. नहीं ले रहा सर. ट्राई किया? अच्छा मैं सर पता क्या करता हूं मैं. मैंने देखा है कि हां जो कंसंट्रेशन अपनी पावर इंप्रूव करने के लिए आई लिसन अ लॉट ऑफ ऑडियो बुक्स. मतलब एक जगह पे फोकस कैसे करना है वो मुझे सिखाती है चीज. हाउ टू लिसन एंड विजुलाइज द थिंग्स ये मुझे एक्सरसाइज से रहती. दैट्स लवली. मे बी यू गेट टू रीड अ लॉट मोर देन द रेस्ट ऑफ अस.
even you're definitely listening to more music than most people, bro. Use that. कुछ प्रॉब्लम का सलूशन बता दे, मेरी बहुत किताबें पढ़ने की आदत है, मैं फोकस ही तब कर पाता हूँ. इट्स अ गुड थिंग. यू जस्ट हैव टू फिगर आउट वेयर इट फिट्स इन योर लाइफ. यू गेट द जनरल आंसर आई एम ट्राइंग टू गिव, राइट? ऑप्टिमाइज. Yes, sir. Figure out the best way in which you can move along your style. Mahinder, तेरा दिमाग खराब है क्या? भाई चलो कोई नहीं. भाई सर एक और सवाल. हाँ बोल बोल. सर एक अजीब सा सवाल है. Maybe okay. हाँ बोल बोल. सर बकचोदी वाली स्किल कैसे इंप्रूव करें? बकचोदी कर. भैया. बकचोदी करो भाई दबा के. मतलब बेहोश बकचोदी. ठीक है भाई बकचोदी. भैया बकचोदी के क्वेश्चन मेरा. एक सिंपल रूल बकचोदी के लिए ये है, जो अंडरलाइन बात है ना जिसपे बकचोदी कर रहे हो उसको सीरियसली मत लो. तो जैसे तू मेरे को ADHD के बारे में बात बता रहा था, मैं बकचोदी कर रहा था, मैं तेरी बात सीरियसली ले रहा था. मैंने कहा तू मेरे को फंसा रहा है, चाल कर रहा है तू मेरे साथ, समझ रहा है? सिंपल. और फिर उसको और अब्सर्ड लेते जा. वो एक एंट्री पॉइंट है बकचोदी का. एक है उसको बहुत सीरियसली ले ले. है ब्रो तेरे को ADHD है, तू रोज सुबह उठता कैसे है, समझ रहा है? मैं उसको एक बहुत ही डार्क डायरेक्शन में ले जा, राइट? तू समझ रहा है ना? तो पॉइंट इज कि उसको उस इंटेंट से लेना ही नहीं जिससे सामने वाला कह रहा है. अपने आप बकचोदी निकल के आती है. You have to decide कहाँ पे क्या फिट होती है. सर कपिल शर्मा लेवल के कब कैसे करें? भाई कपिल शर्मा लेवल की बकचोदी नहीं कर सकता भाई तू. उसके लिए तेरे को पैदाइशी कुछ वो चाहिए, मलाई मक्खन लस्सी. मैंने उनका इंटरव्यू देखा था. नहीं होगी. हाँ सर मैंने उनका ना एक बार इंटरव्यू देखा था. उन्होंने बोला कि मेरी बायबॉर्न नहीं है, मैंने इसको रिहाज किया है, स्पेशली इसको मैंने प्रैक्टिस किया है. तो भाई वो सोच, वो जब सोशल कॉन्वर्सेशन में घुसता होगा उसका पॉइंट होता होगा कोई बात सीरियसली नहीं लूंगा, सब बातें उल्टी करूंगा आज. Yes. और धीमे धीमे करके उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये चलता है ये नहीं चलता है, वहाँ से उसकी टाइमिंग डेवलप हुई. ब्रो ये जो स्किल है ना ये तेरी बॉडी की स्किल है, समझ रहा है? ये इंस्टिंक्ट पे काम करती है, इंटेलेक्ट पे नहीं. तो मैं तेरे को इंटेलेक्चुअली एक्सप्लेन भी करूँगा ना उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि तेरे को सीखने की ज़रूरत वो तू सोच के नहीं कर सकता वो चीज़ें. कॉमिक टाइमिंग सोच के नहीं होती, वो हो जाती है ना? वो तेरे को, वो तेरा ऐसा होना चाहिए कि तेरे को तेरी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है. तो वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है. मतलब बट आई एम श्योर ही हैज़ अ जीन फॉर इट टू. लाइक आई एम नॉट सेइंग जीन लिटरली, बट कुछ तो सिचुएशन रही होगी कि वो ह्यूमर की तरफ इतना एक्सट्रीम में है. मेरी बात समझ रहा है? टू बी लाइक कपिल शर्मा व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी इन इंडिया पर्टिकुलरली इज टू से आई वॉन्ट टू बी सचिन तेंदुलकर व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट. सचिन तेंदुलकर हैड कुछ लेवल पे जेनेटिक जेनेटिक कुछ लेवल पे. आई एम नॉट सेइंग एंटायरली बट कुछ लेवल पे. मेसी रोनाल्डो वगैरह. राइट राइट. तो वो एक सिचुएशन है. अच्छा सर एक और सर. हाँ सर आपने बोला था 3 साल की उम्र में आपने चेस खेला. हाँ चेस आपने शुरू किया था खेलना. हाँ आपने फिर यू नो करियर क्यों नहीं बनाया आपका? तो आप भाई मेरे को याद है वो क्लियर मोमेंट जब मैंने सोचा इसको मैं करियर बनाना चाहता हूँ. सर इवन मैग्नस कार्लसन 5 साल की उम्र में उन्होंने सीखा, आपने 3 साल की उम्र. भाई मैं जो मैग्नस कार्लसन 7 साल की उम्र में था ना मैं वो 12 साल की उम्र में भी नहीं था. इसलिए मतलब मेरा पॉइंट ये है मेरे को उस टाइम रियलाइज हो गया था आई वाज नेवर दैट गुड ब्रो. आई वाज गुड इनफ टू विन लाइक लोकल टूर्नामेंट्स बट टू कम्पीट एंड टू मेक इट अ करियर नो. आई न्यू इट. लाइक इवन व्हेन माय पेरेंट्स ऑफर्ड मी एक बार मजाक में आई वाज लाइक नो आई कांट डू दैट. आई हैव नोन विदित गुजराती सिंस ही वाज 11 एंड आई वाज 12 और समथिंग. आई सॉ दैट गाय प्ले एंड आई न्यू वेयर आई वाज प्लेइंग इन दैट टूर्नामेंट एंड आई वाज लाइक ये बंदा है. तब उसकी रेटिंग 2100 होती थी और मेरी रेटिंग उस टूर्नामेंट में आई थी 1400. और 1400 रेटिंग ऐसी होती है ब्रो जिनकी रेटिंग होती है ना हंसते हैं वो उस रेटिंग पे. तो लाइक आई न्यू आई वाज जस्ट सेल्फ अवेयर आई वाज लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू बी माय थिंग फॉरएवर. यस सर समझ रहे हो? सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन. यार आज से मैं आस्क अ क्वेश्चन. हियर इज वन राज सिंह हियर. आई हैव आल्सो क्वेश्चन प्लीज. राज सिंह हियर. होल्ड अप एक सेकेंड. मैं एटलीस्ट स्ट्रीम एंड करूँगा अब बिकॉज YouTube पे तो बहुत देर से स्ट्रीम हो रही है और वो एक एडिट प्रेशर है. उसके बाद हम थोड़ी देर और शायद बात कर पाएंगे बट फिलहाल मेरे को YouTube को बाय बोलने दो. ठीक है कूल ओके. YouTube थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अस. आई एम श्योर यू लाइक्ड इट. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस कोर्स आई हेट टू डू दिस सेलिंग शिट बट गो चेक इट आउट artofconversation.in. Description में भी लिंक होगा etc. etc. You guys have been fun. Mahinder, please stop sending me ये super chats bro. अगर तेरे को मेरे को पैसे भेजने हैं मेरे को Google Pay कर दे. ठीक है मेरे को YouTube को क्यों देने बीच में?
ये क्या पब्लिक में प्यार का ऐलान कर रहा है तू हजार रुपए देके सर ठीक है हाँ सर सर आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर पेरेंट्स की आपके पेरेंट्स के पास इतनी अवेयरनेस थी कि आपको 3 साल की उम्र में सिखा दिया मतलब भाई ऐसे नहीं हुआ था वो तो मेरे लिए चेस बोर्ड लाए पापा ने मेरे को हरा दिया मेरे को गुस्सा आ गया मैंने बोला पापा ने कैसे हरा दिया मेरे को सिंपल फिर मैंने बोला पापा को हराएंगे सबसे पहले आई थिंक सर आप जो भी हो आज आई थिंक बिकॉज ऑफ द चेस मतलब ऐसा तो यार आई एम मैं जो भी हूँ इज बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स राइट बट मैं श्रेय जो भी हूँ अपने पेरेंट्स को देता हूँ चेस को नहीं क्योंकि एटलीस्ट जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट तो होनी की थी ना पहले उसके बाद है ना सो फॉर श्योर ब्रो आई थिंक अ लॉट इन अ स्पेसिफिक वे बिकॉज ऑफ चेस यस सो चेस हैज हैड अ वेरी इम्पैक्टफुल पार्ट भाई वो लोग चैट कह रही है अबे भाई हम लोग इसको करते रहेंगे कोई सी नहीं है तुम्हें मेरे को पता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है पर इंसान की भी तो देखो ना 2 घंटे से बैठे हैं थक जाते हैं भाई भैया मेरा एक क्वेश्चन है मैं पूछ लूं एक सेकंड रुक जा मेरे को यहां स्ट्रीम ऑफ करने दे फिर तेरे से ही सवाल पूछ लूंगा भाई कोई क्वेश्चन नहीं अब मेरा टाइम है भाई आप प्लीज पब्लिक को कहना है यूट्यूब पे अच्छा यूट्यूब पे तेरे को कुछ कहना है भैया मेरा था आपने बोला था अबे पहले मैंने कोई टिकट बांटी है किसका था हाँ मैं मेरा रोचित का अरे मुझे पब्लिकली यूट्यूब पे कुछ बोलना है हाँ जिसको पब्लिकली यूट्यूब पे बोलना है बोल दो अभी हेलो ओके वैसे यूट्यूब पे तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रखर लाइक इट्स ग्रेट टू सी यू आफ्टर डेकामाइंड वर्कशॉप आई होप यू रिमेंबर माय नेम दिस इज नितिश या आई रिमेंबर योर वॉइस ब्रो आई रिमेंबर योर वॉइस हां तो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई एम रियली एक्साइटेड पॉइंट इज आई गॉट टू नो अबाउट यू फ्रॉम अराउंड 6 मंथ्स बैक इट वाज जून हां From there, it's like an amazing journey for me. Huh. At that point of time, I was literally stammering and I wasn't really able to talk to people. But from a group of Manchutra community, which I came to know from Shwetab, thanks to Shwetab, I came to know about you. So yeah, I can literally Everybody say, should thank Shwetab for that. Huh? Yeah, I can literally say you are among so few people who can I go crazy and they have made really added such value in my life from art of conversation I got at that point of cheap just around 700 then you give us the offer for that 2.0 and just 500 I am grateful for it and all those things which I have learned still I am shivering but I am speaking fluently I think yeah. You're doing a damn awesome job bro you're doing a the damn point awesome is job. You won't believe my net has expired I have just bought the 21 rupees would you be extra to just say this you won't believe oh mere bhai तुम एक काम करो सबसे पहले तो तुम ऑफलाइन जाओ तुम पैसे मत खर्चो फालतू में अरे अरे मुझे कहना था लिटरली आई वाज जस्ट वेटिंग बहुत बहुत थैंक यू तुम बहुत भले आदमी हो लेकिन तुम मतलब ऐसे यार मत करो मेरे को थोड़ा ऐसा बुरा लगता है यार अरे 21 रुपीस कुछ नहीं है 21 रुपीस कुछ नहीं है पॉइंट ये है कि एक अवार्ड फंक्शन वाइब कह रहा है कोई पॉइंट ये है कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना ऑलरेडी इतना तो सीख लिया एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट कर लूंगा चिंता नहीं है उसकी चिंता नहीं है डिकमेंट ने सिखा दिया है राइट पॉइंट ये है अपने आप सीखना है फिगर आउट करना है जेन्युइन थैंक यू बोलना है द वैल्यू व्हिच हैव एडेड बस दैट्स इट थैंक यू ब्रो आई रियली अप्रिशिएट यू सेइंग दैट थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर द गिविंग मी चांस इन द मिडिल कोई दिक्कत मेरे टिकट का भाई तेरा नाम क्या है अब मैं बोलूं टिकट वाले बता मेरा नाम है रोचित हां रोचित बोल तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी कि मैं ना दोस्तों की बहुत ज्यादा अपनी टांग खींचने वाला लड़का हूँ ठीक है जो ग्रुप में एक लड़का नहीं होता जो बहुत अच्छे से सबकी मार लेता है आई रिलेट ठीक है वैसे टाइप का मतलब जैसे आप वेदांत के साथ करते हो ना वैसा वेदांत के साथ तुम्हें पब्लिक तो मुझे पता है कि मैं तो मुझे पता है मैं अटेंशन के लिए करता हूँ 10 लोग खड़े हैं तो मैं मतलब वो बेस्ट एंटरटेनर का टैग मेरे पास है ठीक है और सालों से है तो लेकिन अब मैं थोड़ा अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब एक बेटर पर्सन बनने का तो अब जो मैं करता हूँ ये जब भी करता हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है कि यार नहीं करना चाहिए था क्योंकि भाई सब कुछ होता है उसमें कि मतलब बॉडी शेमिंग भी होती है ठीक है मेरे फ्रेंड का नाम कल्लू है तो हर चीज होती है सब होता है तो मुझे ऐसा गिल्ट फील होता है और अभी मैं 12th में हूँ तो अगर ये गलत चीज है तो मैं वो मतलब बंद करना चाहता हूँ पर आप भी करते हो दो तीन तो मेरे ऐसे दोस्त है जिनके साथ कई बार सिट डाउन कॉन्वर्सेशंस हुई है कि भाई अब हम दोस्त रह सकते हैं कि नहीं क्योंकि मैं तो हूँ मतलब तुम मेरे को अगर प्राइवेटली देख लोगे ना मेरे तो जो लेने वाले वो होते कई बार फनी भी नहीं होते सिर्फ वो सच और बहुत ही ब्रूटल होते हैं तो मैं तो बहुत ही दूर तक चला जाता हूँ और कई बार तो बहुत ही दूर तक चला जाता हूँ
तो कुछ मेरे सेंसिटिव दोस्त भी हैं वो बुरा मान जाते हैं, बट भाई मेरा मेरा अपना पर्सनल उसूल बड़ा क्लियर है। ये बताओ, देख पहले तो तू अपने आप से पूछ, तू किस इंटेंशन से कर रहा है? तू उस बंदे को तंग करने के लिए कर रहा है, मतलब तू उसको, आर यू ट्राइंग टू हर्ट दैट पर्सन और आर यू, दैट इज योर वे ऑफ हैविंग फन, राइट? आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क बिकॉज आई थिंक आई एम जस्ट हैविंग फन, राइट? आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज दैट्स हाउ आई इंटरेक्ट विद पीपल, ब्रो। आई सॉ दैट ग्रोइंग अप, दैट्स हाउ माय फादर इंटरेक्टेड विद मी, ही वाज आल्सो लाइक वेरी प्लेफुल, राइट? और वो अपने दोस्तों से भी ऐसे ही बात करते थे, आई सॉ दैट, राइट? आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली माय गेस, बट व्हाटएवर, राइट? दैट्स हाउ आई शो फ्रेंडशिप। इफ यू एवर सी मी स्पीकिंग टू रितिन, जो मेरा फ्रेंड है रितिन भाटिया, हमारा फोन पता है कैसे कटता है? हट यहाँ से, हट चल, हट। और जिसने पहले फोन काट दिया वो जीत गया। हम एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, हट साले पागल, चल दिमाग मत खाया से, हट। इस तरीके से बात कर रहे होते हैं, मतलब मैं हट, आई एम यूजिंग द वर्ड हट, आई एम नॉट यूजिंग ऑल द अदर स्वेयर वर्ड्स दैट वी यूज, बट हिम आई नो ही डजंट माइंड, ही डजंट माइंड, देयर आर अदर फ्रेंड्स आई नो दे डू। तो उन लोगों के साथ में कई बार आई गो सॉफ्ट ऑल्सो समटाइम्स, बट जनरली दैट इज जस्ट माई स्टाइल, ब्रो। आई एम द गाय दैट मेक्स ऑल दोज सिली जोक्स, राइट? आई जस्ट लाइक, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ। सो first of all, you need to figure out what your intention is. Is your intention to hurt them or is your intention to have fun? Now, if your intention is to have fun, you don't need to feel guilty. Especially because, and but if they're still feeling bad and you're having fun because they're feeling bad, feel guilty, right? If they're feeling bad and you are only trying to have well-meaning fun, which is ki agar ye tumhari le rahe hote, to tum utna hi hans rahe hote, ya utna hi open hote us baat ko leke. तो उनके बुरे मानने पे खुद के दिल पे मत लो, फिर वो उनकी प्रॉब्लम है और तुम्हारी, मतलब तुम दोस्त लाइक तुम दोस्त नहीं बन सकते। यू सी, डज दैट मेक सेंस रफली? हाँ, ढंग से समझा पाया कि मैं ढंग से दोबारा, मैं एक बार दोबारा ट्राई करूं? नहीं, मतलब मेरा ये है कि मुझे थोड़ा सा ना गिल्ट होने लगता है और ये चीज तो अपने आप से पूछ कि वो इसलिए होता है क्योंकि मैं उसको हर्ट करने के लिए कर रहा हूं या इसलिए होता है क्योंकि मेरे को ये, मतलब हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं तो वो हर्ट हो ही जाता होगा। अगर जैसे वो हर्ट हो रहा है तो फिर, हाँ, फिर वो गिल्ट सुन ले। बट ओवरऑल मेरा पॉइंट है, इसमें कुछ ओवरऑल गलत नहीं है इस चीज में। सम पीपल जस्ट एक्सप्रेस लव लाइक दैट, आई नो दैट बिकॉज आई एम वन ऑफ दोस पीपल, राइट? यू हैव टू बी केयरफुल, यू डोंट हर्ट द अदर पर्सन फॉर श्योर, बट ऑटोमेटिक गिल्ट अज्यूम मत कर, स्पेशली इफ योर इंटेंशन इज नॉट बैड, इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू हर्ट देम। थैंक यू भैया, समझ रहा है ना? हाँ, सो आई हैव अ क्वेश्चन, पूछो। आई हियर अनदर फीमेल वॉइस आस्क, वही सेम है। तो यस, व्हाट्स योर नेम? सर नंदिनी। नंदिनी, यू हैव अनदर क्वेश्चन? नंदिनी, यू हैव द सेम पर्सन? यस सर, दिस इज टू नंदिनीज। यस सर, दिस इज टू नंदिनीज। नो नो सर, आई एम द सेम वन। ओके, गो अहेड। सो इट्स अ बिट स्टूपिड क्वेश्चन, सो आई ट्राइड, मैंने बहुत बार ट्राई किया है लोगों से आई कॉन्टैक्ट बनाना, अभी गैदरिंग में भी ट्राई किया था, बट आई फेल एट इट। आई मीन एक एक सेकेंड में मुझे कहीं और किसी और ऑब्जेक्ट को देखना ही पड़ता है। म्यूट कर दो खुद को। कर दिया? हाँ, तो यार वो दैट इज एक ना एक इनहेरेंट डिस्कम्फर्ट होता है दैट आई विल बी सीन। हूएवर इज नॉट म्यूटेड, म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? एक इनहेरेंट डिस्कम्फर्ट होता है विद बीइंग सीन दैट कम्स विद मेकिंग आई कॉन्टैक्ट फॉर टू लॉन्ग। ऑफ कोर्स डोंट मेक एन आई कॉन्टैक्ट दैट्स 10 सेकंड्स लॉन्ग बिकॉज इट्स वियर्ड, बट 3-4 सेकंड तो तुम रख सकते हो आई कॉन्टैक्ट। एंड द होल थिंग इज, क्या कैन द अदर पर्सन लुक इन टू माई सोल? एक अगर तुम नज़दीक से आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो, अगर दूर से बना रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक दे आर सीइंग यू एंड यू जस्ट हैव टू लर्न टू बी ओके विद दैट। एंड इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू बी ओके विद आई कॉन्टैक्ट, हियर इज अ ट्रिक। जब तुम सड़क पे चल रहे हो, कहीं भी चल रहे हो, लोगों से आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए चलो, सबसे जो भी तुम्हारे आगे आ रहा है, और तब तक आई कॉन्टैक्ट बनाओ तब तक जब तक कि वो अपनी आंखें नहीं हटा लेते। एंड तुम देखोगे कितनी जल्दी लोग भी इस चीज़ से डरते हैं कि आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाना चाहते। एंड देन यू नो यू हैव द पावर कि तुम 5 सेकंड आई कॉन्टैक्ट बना सकते हो, सामने वाला निकल जाएगा, राइट? सो इट इज लाइक ऑलमोस्ट नोबडी कैन होल्ड एन आई कॉन्टैक्ट फॉर टू लॉन्ग, वेरी रेयरली यू विल फाइंड दोज थिंग्स। जनरली लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, बट इट्स अ वेरी ग्रेट, इट्स लाइक अ इनसेनली गुड कम्युनिकेशन थिंग टू हैव, टू बी एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट फॉर हाउ एवर लॉन्ग यू वॉन्ट।
पूरा पावर स्ट्रक्चर चेंज रहता है कॉन्वर्सेशन का इफ यू कैन मेक अ बेटर आई कॉन्टैक्ट राइट. तो बेसिकली पुट योर सेल्फ थ्रू इट, लेट पीपल वॉक टूवर्ड्स यू, मेक आई कॉन्टैक्ट एज यू आर वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट. सर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, होल्ड अप. सो दिस इज योर सिंपल आंसर, यू जस्ट प्रैक्टिस इट एवरी डे एंड यू कॉन्टिन्यूसली पुश योर सेल्फ टू आउट स्टेयर द अदर पर्सन एंड यू विल गेट वेरी गुड एट इट. और वो जो सारी जो फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट है ना जो आ रही हैं आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए, उनको सुनो बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टेल यू अ ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ. दे आर ट्राइंग टू टेल यू किस चीज़ को लेकर तुम अनकंफर्टेबल हो, किस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है. The very interesting insights because now somebody is directly looking into you and you are looking at yourself from their eyes and that is unsettling because you have to ask yourself wo kya soch rahe hai, kya wo sahi soch rahe hai, ek minute isse bade dekho hi mat, right? So all of that is information for your mind, so all of that is self awareness etc etc. सर मेरे पास एक कमाल का क्वेश्चन है. हेलो सर, मेरे पास भी एक क्वेश्चन. सब लोग म्यूट, all of you can I ask, hold up, ab at least main YouTube stream off kar raha hu because I have had too much, this is almost close to 2 hours and then I'm going to talk to you guys, so hold up right here YouTube, lovely seeing you. Hum milte hain kal trifecta on PG radio, we are going to be talking about language, whoever's interested in that, Thursday raw and real on Shwetab channel, theek hai, okay, ciao ciao, see you guys, dhyan rakho apna. To ye ho gayi.